السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. सफर नंबर 97 से आज शुरू करेंगे, ऐसे ही है। सही। सवाल नंबर 3 से हम शुरू करेंगे आज। इकरा मा यली, मुंदरजा ज़ैल मिसालें पढ़ें। ये जो अमर हाजिर बनता है, अमर हाजिर, उस बारे में बता रहे हैं कि अमर हाजिर ये जो बनता है, ये मुजारे के जो हाजिर के 6 सीगे हैं उनसे बनता है। मुजारे के हाजिर के 6 सीगों से अमर हाजिर बनता है। जैसे अंत हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, हाजिर की जमीर है, ये जमीर मरफू मुनफसल है अंत। और अंत तक्तुबु, जब हमने अमर बनाना है तो हम तक्तुबु ये जो हाजिर का सीगा है इसे बनाएंगे। आगे इसकी शक्ल दी है कि हमने जो अमर का सीगा बनाना है वो तक्तुबु से बनेगा। बनाने का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले अलामत मुजारे को हजफ करेंगे। अलामत मुजारे को हजफ करने के बाद देखेंगे कि उसके बाद वाला हरफ जो कि फा कलमा है, यहां पर काफ फा कलमा है, वो साकिन है और आखिर को भी साकिन कर देंगे। जब ये आखिर को भी साकिन कर देंगे, फा कलमा भी साकिन है, तो हम इसको पढ़ नहीं सकते। तो शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे और हमजा वसल को हम एराब जो है वो ही देंगे कि जो आइन कलमे का एराब है। यहाँ ता आइन कलमा है और इसके ऊपर जम्मा है, तो हम हमजा वसल को जम्मा देंगे, तो ये उक्तुब हो जाएगा। उक्तुब सबसे पहले तो इस बात को समझना जरूरी है कि अमर हाजिर जो है वो बनता किससे है। अमर हाजिर, अमर हाजिर बनता है मुजारे हाजिर के 6 सीगों से। हमारे पास सीगे होते हैं 6 गायब के होते हैं,
जैसे शुरू करते हैं हम यफ़ालु से, यफ़ालु, यफ़ालाने, यफ़ालूना, तफ़ालो, तफ़ालाने, यफ़ालना। ये जो तीन सीगे हैं ये हैं मुज़क्कर गायब के, और ये जो तीन सीगे हैं ये हैं मुअन्नस गायब के। मुअन्नस गायब के अमर जो सी जो बनता है हाजिर, वो इन छह सीगों में से किसी से नहीं बनता, ये सारे सीगे गायब के हैं। उसके बाद आता है तफ़ालो, ये हो गए हाजिर के सीगे। इनमें से ये शुरू वाले जो हैं तीन मुज़क्कर के हैं, और ये आखिरी तीन मुअन्नस के, और आखिर में जो दो सीगे आते हैं मुतकल्लिम के, अफ़ालो और नफ़ालो। ये हो गए कुल 14 सीगे, छह गायब के, छह हाजिर के, और आखिर में ये दो मुतकल्लिम के। जब हमने अमर हाजिर बनाना होता है तो अमर हाजिर इन छह सीगों से बनता है। आपको पता है कि कुछ हुरूफ होते हैं जो फेले मुजारे को जज़्म देते हैं, किसी को याद है? वीडियो सही आ रही है, ठीक है। वो कौन से हुरूफ हैं जो फेले मुजारे को जज़्म देते हैं? फेले मुजारे को ये नसब देते हैं, अनलन कैज़ा, ये नसब देते हैं। जी ठीक है, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया, पांच हरफ है। लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया, ये पांच हरूफ हैं जो फेले मुजारे को जज़्म देते हैं, ठीक है। उनमें से एक हम पढ़ते हैं लामे अमर, लामे अमर, जो ऐसा लाम जो के हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो कुल 14 सीगे होते हैं मुजारे के, ये जो 14 सीगे होते हैं, तो मुजारे के इन 14 सीगों में से 8 सीगों के शुरू में लामे अमर दाखिल होता है। ये यानी ये छह सीगे ये हो गए और दो सीगे ये, आठ सीगे गायब के सीगे और दो मुतकल्लिम के सीगे। इन आठ सीगों के शुरू में लाम अमर आता है। मुजारे से जब हम अमर बनाएंगे तो मुजारे के सीगे होते हैं 14, 14 में से जो शुरू वाले छह गायब के सीगे होते हैं इनमें लाम अमर दाखिल करते हैं तमाम सीगों में। बाकी 14 में से बाकी जो 6 बच गए तो अमर हाजिर, जैसे हम किसी को हुक्म देते हैं कि तुम ये करो, तो फिर वो जो अमर हाजिर है वो इन 6 सीगों से बनता है। इन 6 सीगों के शुरू में हम हमजा वसल लेकर आते हैं, हमजा वसल। इसके लाने की भी कुछ सूरतें हैं, यहां तक ये बात समझे। हमजा वसल कितने सीगों में आता है? 6 सीगों में आता है।
मुजारे से जब हम अमर बनाएंगे तो छह सीगों के शुरू में हमजा वसल आता है, बाकी आठ सीगों के शुरू में लाम अमर आता है। ये बात समझ आ गई? हाँ या ना बोले? ठीक है, नो, नहीं आई। क्या समझने का है? मुजारे के कुल कितने सीगे होते हैं? माजी के भी चौदह होते हैं, मुजारे के भी चौदह होते हैं, चौदह। इन चौदह सीगों से जब हम अमर बनाते हैं, तो आठ सीगों के शुरू में लाम अमर दाखिल करते हैं और छह सीगों के शुरू में हमजा वसल दाखिल करते हैं। आठ सीगे के जिनके शुरू में लाम अमर दाखिल करते हैं उनमें से छह गायब के और दो मुतकल्लिम के, इनके शुरू में लाम अमर दाखिल होता है, ठीक है। और बाकी जो हाजिर के सीगे हैं मुजारे में, जो हाजिर के सीगे हैं इनके शुरू में हमजा वसल आता है जब अमर बनाएंगे तो। अब कुछ समझ आया? लाम अमर, ठीक है, फिलहाल आप लाम अमर को छोड़ दें अगर वो समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ हम जो है वो ये जो छह हाजिर के सीगे हैं तो इनसे हम अमर बनाने का तरीका सीखते हैं। अमर हाजिर मारूफ फेल मुजारे हाजिर मारूफ के छह सीगों से बनता है, इस बात को नोट कर लें। अमर हाजिर मारूफ फेल मुजारे मारूफ के फेले मुजारे मारूफ हाजिर के छह सीगों से बनता है। अमर हाजिर मारूफ फेले मुजारे हाजिर मारूफ के छह सीगों से बनता है। अब इसकी बनाने का तरीका, उसकी तरफ हम आते हैं, एक एक की तरफ आते हैं। हमारे सामने होते हैं छह सीगे हाजिर के, फेले मुजारे के वैसे चौदह सीगे होते हैं, छह गायब के होते हैं, छह हाजिर के और दो मुतकल्लिम के। ये जो हाजिर के छह सीगे हैं इससे हम अमर बनाने का तरीका सीखते हैं। तफ़ालू, तफ़ालानी, तफ़ालूना। अमर बनाने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले अलामत मुजारे को हजफ कर देंगे, बल्कि ये सारे सीगों को इकट्ठे ही हम हल करते हैं। تفعلاني تفعلنا ये सारे सीगे हाजिर के हैं या गायब के? ये जो छह सीगे लिखे हुए हैं, तीन ये और तीन ये, हाजिर के हैं या गायब के? हाजिर के, ठीक है। अब अमर यूं बनाएंगे कि सबसे पहले अलामत मुजारे को हजफ कर देंगे। अलामत मुजारे कहां पर है? अलामत मुजारे कहां पर है और कौन सी है? ता, ठीक है, ता है और शुरू में है। तो हम सबसे पहले अलामत मुजारे को सब में हजफ कर देंगे। अब पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ा जा सकता है? नहीं, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि पहला हरफ साकिन है और जब पहला हरफ साकिन हो तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला कदम उठाने से पहले
आखिर को साकिन कर देते हैं, आखिर को साकिन कर देते हैं। अब जहां पर हरफ मुतहर्रिक है आखिर को साकिन कर देंगे, या पहले हम शुरू में हमजा वसल लेकर आते हैं और फिर आखिर की तरफ आते हैं ताकि आपको मजीद उलझन ना हो। इसको हम पढ़ नहीं सकते अभी, तो शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे सबके शुरू में। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो शुरू में हमजा वसल लेकर आए इसको हम जबर दें, जेर दें या पेश दें। इन सारे जो है वो मिसालों के अंदर जो हम शुरू में हमजा वसल लेकर आए हैं तो हमजा वसल को क्या इराब दिया जाएगा, जम्मा दें, फतहा दें या कसरा दें। अब हमजा वसल को इराब देने के लिए हम आइन कलमे को देखेंगे, आइन कलमे को सारी मिसालों में आइन कलमे को देखेंगे। अगर आइन कलमे पर फतहा है या कसरा है, ठीक है ना, फतहा है या कसरा है, यहां पर हम सबने उसको फतहा दिया हुआ है, जैसे तफ्ताहो, अगर हम ये मिसाल लें तफ्ताहो और तजरिबो, हम देखेंगे कि आइन कलमे को क्या इराब दिया गया है। आइन कलमे के ऊपर अगर जबर है या जेर है, जैसे यहां इन मिसालों में आइन कलमे के ता अलामत मुजार को हजफ कर दिया दोनों में, शुरू में हमजा वसल लेकर आए, और यहां पर देख रहे हैं कि आइन कलमे के ऊपर जबर है, यहां आइन कलमे के नीचे जेर है, ज़ाद फा कलमा है, रा आइन कलमा है और बा लाम कलमा है। फा ये फा कलमा है, ता आइन कलमा और ये लाम कलमा। आइन कलमे को देखेंगे, आइन कलमे पर अगर जबर है या जेर है, आइन कलमे पर अगर जबर हो या जेर हो तो हमजा वसल के नीचे जेर दे देंगे, तो ये हो जाएगा इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ालू, हा ये अभी जो है वो अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ अमर। और अगर आइन कलमे को देखेंगे, अगर आइन कलमे पर जम्मा है, आइन कलमे पर अगर जम्मा है, जैसे तनसुरो एक मिसाल है, ये तो अलामत मुजारे हो गई, ये फा कलमा है नून, स्वाद आइन कलमा और रा लाम कलमा है। आइन कलमे को देखें, आइन कलमे को जम्मा है, अलामत मुजारे को हम शुरू में हजफ कर देते हैं, शुरू में हमजा वसल लेकर आए, शुरू में हमजा वसल लेकर आए, आइन कलमा यहां पर मजमूम है तो इसको जम्मा दे देंगे। तो हमारे सामने हमजा वसल को दो एराब दिए जाते हैं, अगर आइन कलमा मफतू हो या मकसूर हो तो हमजा वसल को कसरा देंगे, और अगर आइन कलमा मजमूम हो जैसा कि यहां पर है तो हमजा वसल को जम्मा देंगे। अब आते हैं आखिर की तरफ, आखिर में जहां पर फेले मुजारे मुतहरिक के वाहिद का सीगा इसको साकिन कर देंगे, तो ये हो जाएगा या तो इफ़ाल या उफ़ाउल हो जाएगा, उफ़ाउल, ठीक है, जिसे उनसुर है। जहां पर नून एराबी है, यहां पर भी नून एराबी है, यहां पर भी नून एराबी है, यहां भी और यहां भी, चार सीगों में, तो जहां नून एराबी होता है उसको गिरा देते हैं, या तो मुतहरिक हो तो साकिन कर देंगे, और अगर मुतहरिक नहीं बल्कि नून एराबी है तो उसको गिरा देंगे, इफ़ाली हो जाएगा ये। और ये जो जमा मोनस का सीगा है, आपको मालूम हो कि जो मबनी होते हैं वो तीन होते हैं, माजी और तमाम हरूफ और फेले मुजारे का वो सीगा कि जिसके आखिर में नून निस्वा हो, जमा मोनस कानून, जमा मोनस कानून जहां पर आए तो उसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। तो हमारे सामने मिसालें बन गई इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना, ठीक है, या फिर ये कि अगर हम हमजा वसल को जम्मा दें जैसे उनसुर, तो फिर हो जाएगा उफ़ाउल, उफ़ाउला, उफ़ाउलू,
افعلی افعلا افعلن انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرن یہ تینوں صیغے مذکر کے ہیں اور یہ تینوں صیغے مؤنث کے ہیں. ٹھیک ہے, واضح ہے؟ اب یہاں سے یسمعو, یسمعو سے امر نہیں بنے گا, یسمعو یشرفو ان صیغوں سے امر نہیں بنے گا, امر بنتا ہے حاضر کے صیغوں سے. ٹھیک ہے, نہیں کر رہی کام. ڈیوائس از ریڈی. اب تھوڑا سا صبر کیجئے, ہم تمام سوالوں کی طرف آتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر آپ سے سوال کرتے ہیں, مضارع کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14. ٹھیک ہے, امر حاضر معلوم کس سے بنتا ہے؟ مضارع کے 6 حاضر کے صیغوں سے. صحیح, مضارع کے 6 حاضر کے صیغوں سے, مضارع کے 6 حاضر کے صیغوں سے. اور بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے. مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں میں علامت مضارع کیا کہاں ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ شروع میں تا ہوتی ہے اور شروع میں ہوتی ہے. شروع میں ہوتی ہے, صحیح, تا ہوتی اور شروع میں ہوتی ہے. جب ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور فا کلمہ ساکن ہو تو شروع میں ہم حمزہ وصل لے کر آئیں گے, شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے تمام صیغوں کے شروع میں. اب ان تمام صیغوں کے شروع میں جو ہم حمزہ وصل لے کر آئے تو حمزہ وصل کو ہم اعراب کیا دیں گے؟ کی حرکت کے مطابق, مقصور ہوگا تو پھر حمزہ وصل کو مقصور دیں گے, اور اگر عین کلمہ مضموم ہوگا تو پھر حمزہ وصل کو مضموم دیں گے. ہم یوں کہیں گے کہ حمزہ وصل کو دو اعراب دیے جاتے ہیں, ایک ضمہ اور دوسرا کسرہ. ضمہ اس وقت دیں گے جب عین کلمے پر ضمہ ہو, اور کسرہ اس وقت دیں گے جب عین کلمے پر فتحہ ہو یا کسرہ ہو. تاروں کا اتنا جال بچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں, وہ گزارش ہے کہ اپنے جو نا جو آپ کے مائک ہیں ان کو بند کر دیں. تثنیہ کے جو صیغے ہیں مذکر کے اور مؤنث کے دونوں ایک جیسے ہوں گے. اچھا, پھر ہم آخر کو ساکن کر دیتے ہیں, آخر کو ساکن کر دیتے ہیں, اور آخر کا ایک ہی صیغا ہے کہ جس کو ہم ساکن کریں گے, اور وہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ. باقی جہاں پر نون اعرابی ہو, نون اعرابی, یہاں پر تھوڑا رک کر
हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, मुजारे के जो 14 सीगे होते हैं, मुजारे के 14 सीगे टोटल मुकम्मल, 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। तो इन 14 सीगों में से कितने सीगों के आखिर में नून एराबी आता है? 7 के आखिर में, ठीक है, 7 सीगों के आखिर में नून एराबी होता है। 4 तस्निया के, 2 जमा मुजक्कर गायब और हाजिर के और 1 वाहिद मोनस हाजिर का सीगा। इन 14 सीगों में से 7 सीगों के आखिर में नून एराबी आता है। तो ये नून एराबी अगर हम इसको अमर बनाने की सूरत में साकिन कर दें, अगर अमर बनाने की सूरत में वाहिद की तरह हम इसको साकिन कर दें, तो फिर अलिफ भी साकिन होगा और नून भी साकिन होगा, तो 2 साकिन जमा हो जाएंगे। तो इसलिए नून एराबी को गिरा देते हैं, नून एराबी को गिरा देते हैं। जैसे तफ़आलान है, तफ़आलान से हम इफ़आलानी, हमने इसको अमर बनाया, आखिर में जो नून है नून एराबी, तो इफ़आलानी नून मुतहरिक है, अलिफ साकिन है उससे पहले। अगर हम नून को भी साकिन कर दें तो अलिफ भी साकिन हो जाएगा, नून भी साकिन हो जाएगा, दोनों बढ़ नहीं सकते, तो नून को गिरा देंगे। अब इसको यूं समझिए, ये जो अमर हाजिर के जो 6 सीगे होते हैं, अमर हाजिर के 6 सीगे, उनमें से 4 सीगों के आखिर में नून एराबी आता है। 1 है तफ़आलाने, जो तस्निया का लिए इस्तेमाल होता है, तस्निया मुजक्कर और तस्निया मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब हम इसके अमर बनाएंगे तो सबसे पहले अलामत मुजारे को हजफ कर देंगे, शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे, आइन कलमा मफ्तू है, हमजा वसल को कसरा देंगे, इफ़आलाने हो गया। अब आखिर में तब्दीली ये करेंगे कि आखिर में से इस नून को गिरा देंगे। नून को क्यों गिराएंगे? क्योंकि अगर नून को साकिन करें, वैसे अमर की सूरत में आखिर को साकिन करना होता है, अगर हम इस नून को साकिन करते हैं, ठीक है, हरकत को हजफ कर दें, इफ़आलानी था तो ये इफ़आलान, अगर हम नून को साकिन कर दें तो बात यह है कि यहां 2 साकिन जमा हो जाते हैं, अलिफ भी साकिन है नून भी साकिन है, और 2 साकिन अरबी ज़बान में जमा नहीं हो सकते, तो इस वजह से इस नून को गिरा देंगे, हो जाएगा इफ़आला। और यही मामला आएगा तफ़आलून में, अमर बनाएंगे तो सबसे पहले अलामत मुजारे को हजफ करेंगे, शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे, ऐन कलमा मफ्तू है तो हमजा वसल मकसूर आएगा, इफ़ालूना हो गया। अगर आखिर को साकिन कर दें तो 2 साकिन जमा हो जाते हैं, वाव भी और नून भी, जो कि अरबी जबान में ऐसा कभी भी नहीं होता कि 2 साकिन इस तरीके से जमा हो जाएं, लिहाजा नून को ही गिरा देंगे, हो जाएगा इफ़ालू। वाहिद मोनस हाजिर का सीगा इस्तेमाल होता है तफ़ालीन, अमर बनाएंगे तो यहां पर भी इसी तरह अलामत मुजारे को हजफ किया, हमजा वसा लेकर आए, अई कलमा मुतहरिक मफ्तू था तो हमजा को कसर दे दिया, इफ़ालीन हो गया। आखिर में अगर नून को साकिन करें तो 2 साकिन जमा हो जाते हैं, इसलिए नून को ही हजफ करेंगे, तो हो जाएगा इफ़ाली, इसको यूं करके लिखेंगे। हाँ, ये जो अमर का सीगा है इसको लिखने की सूरत में आखिर में अलिफ दे देंगे। तस्निया का सीगा आगे इसके बाद जो आता है तफ़आलानी वो इसी तरह होगा, लेकिन जो जम्मा मोनस हाजिर का सीगा है नूनुन निस्वा, जैसे तफ़अलना, अमर जब इससे बनाएंगे, अलामत मुजारे को हजफ किया, ऐन कलमा मफ्तू है, हमजा वसल को कसर दे दिया, यहां पर आखिर में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, आखिर को साकिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जमा मोनस का नून होता है
चाहे वो गायब हो या हाजिर हो, जमा मोनस का नून ये मबनी होता है, इसमें कोई तब्दील नहीं कर सकते, तो ये इफाल ना हो गया। हाँ, ये जो नून एराबी के बारे में हमने बात की, तो ये नून एराबी ये जो हाजिर के सीगों में चार हैं और गायब के सीगों में तीन होते हैं, ठीक है ना। गायब के सीगों में तफालीन से इफाली हो जाएगा, इफाली। अच्छा, तो ये जो बाकी जो नून एराबी हैं तो वो तीन जो हैं वो गायब के सीगों में होते हैं, और गायब से जब हम अमर बनाते हैं गायब से, तो उसके शुरू में हमजा वसल दाखिल नहीं करते। हमजा आता है मुखातब के लिए। अगर हम किसी के बारे में कहते हैं कि फुलां को ये काम करना चाहिए, फुलां को ये काम करना चाहिए, वो मौजूद नहीं है, तो वो गायब से बनेगा यफ़अलु। इसके लिए जैसा कि हमने जिक्र किया था कि पांच हरूफ होते हैं जो फेले मुजारे को जज़्म देते हैं, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। तीसरे नंबर पर हम जिक्र कर रहे हैं लाम अमर। ये लाम अमर ये फेले मुजारे के गायब के सीगों में आता है और मुतकल्लिम के सीगों में आता है। जब 14 सीगों में से 6 सीगों के शुरू में जब हम हमजा दाखिल करते हैं तो बाकी 8 सीगे बचते हैं। इन 14 में से 8 सीगों के शुरू में हमजा ये जो लाम अमर है वो इस्तेमाल होता है। शुरू में हमजा की जगह पर यहाँ गायब में लाम लगाएंगे, ले यफ़अलु हो गया, ले यफ़अलु, आखिर को साकिन कर देंगे, ये हो गया लियफ़अल, उसको ये काम करना चाहिए, लियफ़अल, लियफ़तह, लियंसुर, लियज़रिब, गायब का सीगा है। और उसके बाद फिर तस्निया का सीगा आएगा तो एक नून इराबी उसके अंदर आएगा, जैसे यफ़अलान है, यफ़अलान। अब इससे अमर यूं बनाएंगे कि यहां शुरू में लाम अमर लेकर आएंगे, और लाम अमर की निशानी ये होती है कि लाम अमर मकसूर होता है। ये बड़ी सी जेर जो ना, इसको हमेशा याद रखें, लाम अमर हमेशा मकसूर होता है। इतनी बड़ी अच्छी नहीं लग रही, जरा आपको याद दिलाने के लिए, ताकि लाम अमर की निशानी ये है कि लाम अमर मकसूर होता है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि लाम मफ्तू भी इस्तेमाल होता है फेल मुजारे के शुरू में, लेकिन वो लाम ताकीद किया होता है, जैसे लयंसुरु, लयंसुरु। ये जो लाम मफ्तू होता है ये कोई अमल नहीं करता, ये लाम ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, लाम मफ्तू जिस पर जबर हो, तो लाम अमर हमेशा मकसूर होता है। गायब के तमाम सीगों में लाम अमर दाखिल करेंगे, इस तरह मुतकल्लिम के सीगों में भी लाम अमर दाखिल करेंगे। लाम अमर यहां दाखिल किया, ली यफ़अलान हो गया, अब आखिर को हमने साकिन करना है, अगर साकिन करेंगे यहां पर तो दो साकिन जमा हो जाएंगे, लिहाजा नून को हजफ करेंगे, ली यफ़अला हो गया, ली यफ़अला, ये गायब का सीगा है। ली यफ़अल, ली यफ़अला, ली यफ़अलु, ली तफ़अल, ली तफ़अला, ली यफ़अलना, ली अफ़अल, ली नफ़अल, मुतकल्लिम के दो सीगों के शुरू में भी जो है वो लाम अमर दाखिल होगा। तो लाम अमर और लाम ताकीद, लाम अमर का माना हम करते हैं चाहिए के, चाहिए के, ये होता है लाम अमर का माना ले। और जो लाम ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, जो मफ्तू होता है, उसका माना होता है जरूर, या इसका माना करते हैं अलबत्ता। लतन सुरु, अलबत्ता तुम जरूर मदद करोगे, अलबत्ता तुम मदद करोगे। लतन सुरु, और अगर लाम दाखिल करेंगे लाम अमर तो हो जाएगा ली अनसुर। और ये कि ये लाम अमर ये इस्तेमाल होता है मारूफ के गायब के सीगों में और मुतकल्लिम के सीगों में। आगे एक और बात बता देते हैं मुख्तसर, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लाम अमर मारूफ के 8 सीगों में इस्तेमाल होता है,
लेकिन अगर मजहूल बनाए मुजारे को, जब हम मजहूल बनाए, मुजारे से मजहूल के 14 सीखे जो आते हैं, युफालो युफालान युफालूना, मुजारे को जब हम मजहूल बनाए तो लाम अमर सारे सीखों में इस्तेमाल होगा, मजहूल में हमजा वसल नहीं आता। मजहूल से जब हम अमर बनाते हैं, चाहे वो हाजिर के सीखों से बनाए, उसमें हमजा वसल इस्तेमाल नहीं करते। हमजा वसल सिर्फ हाजिर और मारूफ के सीगों में इस्तेमाल करते हैं, हमजा वसल सिर्फ हाजिर और मारूफ के सीगों में, और लाम अमर मारूफ के गायब के 6 सीगों में, मुतकल्लिम के 2 सीगों में अगर मारूफ हो, और अगर फेले मुजारे को मजहूल बनाए और मजहूल से अमर बनाए तो लाम अमर तमाम सीगों में इस्तेमाल होगा। सर इसी तरह जब मुजारे के शुरू में लन लगाते हैं तब आखिर में नसब देते हैं, फिर नून एराबी वाले सीगों में भी नून को मफतूह कर देंगे, फिर वहां 2 साकन जमा नहीं होते, तो सूरत में नून एराबी कैसे गिर जाता है? जहां फेले मुजारे के शुरू में जब हम हरूफ नासबा दाखिल करते हैं तो वहां पर भी जो है वो नून एराबी गिर जाता है। जैसे लन तफाला लन तफाला लन तफाला आखिर में नून एराबी को जो है वो गिरा देते हैं, यानी नून एराबी जब कभी फेल मुजारे के शुरू में कोई ऐसा हरफ हो जो कि जज़्म देने वाला है या हत्ता कि जो नसब देने वाला है, तो नसब ये वाहिद की सीगों में देगा, बाकी जहां पर नून एराबी है तो नून एराबी गिर जाता है। लामे ताकीद सिर्फ मुजारे में इस्तेमाल होता है, जी हम माजी में दाखिल नहीं करते, मुजारे में दाखिल करते हैं। अब इन मिसालों को देखें, अंत तक्तुबु, अंत तक्तुबु जब हम इससे अमर बनाएंगे, लाम अमर गायब के लिए कैसे इस्तेमाल होगा ये इंशाल्लाह आगे आएगा तो फिर उस वक्त हम ये गर्दान करवाएंगे। यहां पर सिर्फ एक तरीकेकार बताया है, हाजिर से तक्तुबु, फिलहाल आप हाजिर के 6 सीगों से अमर बनाने का तरीका सीखें। अंत तक्तुबु से क्या पता चल रहा है कि अंत तक्तुबु, ये तक्तुब जो सीगा है वैसे तक्तुबु 2 सीगों में मुश्तरक है, तक्तुबु का जो ये सीगा है ये 2 सीगों के लिए मुश्तरक है। कोई बता सकता है तक्तुबु? हाजिर और गाइब मुअन्नस, हाजिर मुज़क्कर गाइब मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस गाइब। जब शुरू में अंत लिख दिया तो इससे ये पता चल रहा है कि ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, जब हम इसे अमर बनाएंगे तो तक तो वो असल सीगा इसको अपने सामने लेकर आएंगे। अब शुरू में से अलामत मुजारे को हजफ कर देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे, अगली शक्ल ये कि हम इसको पढ़ नहीं सकते, का भी साकिन है आखिर भी साकिन है, तो शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे और हमजा वसल को एराब वही देंगे जो कि आइन कलमे का है। आइन कलमा यहां पर ता है, काफ फा कलमा है, ता आइन कलमा है और बा लाम कलमा है, तो ता आइन कलमा इसके ऊपर जम्मा है, हमजा वसल को जम्मा देंगे तो हो जाएगा उक्तुब। ऐसे ही एक और मिसाल दे रहे हैं, अंत तदखुलो, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अमर बनाएंगे तो असल सीगे को अपने सामने लेकर आएंगे, तदखुलो असल सीगा है, शुरू में से अलामत मुजारे को हजफ करेंगे, आखिर को साकिन करेंगे, अगली शक्ल लेकर हम उसको पढ़ नहीं सकते, शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे और हमजा वसल को जम्मा देंगे क्योंकि आइन कलमे पर जम्मा है, तो हो जाएगा उदखुल। अब नीचे आने वाली जितनी मिसालें हैं, नीचे आने वाली ये जो 9 मिसालें हैं, इन 9 मिसालों में फेले अमर को इस्तेमाल किया गया है और हमजा जो वसली है उसको जम्मा दे दिया गया है क्योंकि आइन कलमे पर जम्मा है। उखरुज मिन अल फसल या बशीर, ए बशीर किला से निकल जाओ, उक्तुब दरसक या अली, ए अली अपना सबक लिखो,
اسجد للہ اللہ کے لیے سجدہ کرو انظر الی ذاک الجبل اس پہاڑ کی طرف دیکھو الی یہ حرف جر ہے ذاک یہ اس میں اشارہ ہے ذالک ہی کی شکل ہے اور الجبل یہ اس کا مشار الیہ ہے یہ مجرور ہے ذاک اس لیے کہ اس میں اشارہ مجرور ہے اس وجہ سے اقتل هذه الحیت یا عمی قتل کرو یہ سانپ اے میرے چچا تو یہاں پر اقتل فعل امر ہے تا پر ضمہ ہے جو کہ عین کلمہ ہے اس لیے حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دیا گیا ادخل یا حامد اے حامد داخل ہو جاؤ اشکر ربک اپنے رب کا شکر ادا کرو اسکت یا ولد اے لڑکی خاموش ہو جاؤ اکنس هذه الغرفۃ اس کمرے کو جھاڑو لگاؤ ان تمام مثالوں میں فعل امر کے شروع میں جو حمزہ وصل آیا ہے اس کو ضمہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عین کلمے پر تمام مثالوں میں ضمہ ہے بہت آسان ہے آگے اسی طرح جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر عین کلمے کے نیچے زیر ہے ٹھیک ہے نا عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو حمزہ وصل جو شروع میں لے کر آئیں گے تو اس کو بھی ہم زیر دیں گے انت تجلسو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر اسے بنائیں گے تو تجلس اثر سیکھے کو لے کر آئیں گے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے آخر کو ساکن کر دیں گے اگلی شکل میں ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے تو شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے اور حمزہ وصل کو ہم اعراب وہ دیں گے جو عین کلمہ کا اعراب ہے عین کلمہ یہاں پر لام ہے اجلس میں عین کلمہ لام ہے تو لام کے نیچے زیر ہے تو شروع میں حمزہ وصل کو بھی زیر دے دیں گے ایسے ایک اور مثال اس کو بھی حل کرتے ہیں انت تغسلو اس سے تغسلو صیغہ ہے علامت مضارع کو حذف کر دیا آخر کو ساکن کر دیا شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے عین کلمہ یہاں پر سین ہے سین مکسور ہے تو حمزہ جو وصلی ہے اس کو کسرہ دے دیں گے اب یہ جتنی مثالیں ہیں ان تمام مثالوں میں حمزہ وصل کو کسرہ دیا گیا ہے کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے اجلس سنا یا بلال اے بلال یہاں بیٹھ جاؤ اغسل وجہک بالصابون اپنا چہرہ صابن سے دھو ارجع بعد ساعت ایک گھنٹے کے بعد واپس آؤ انزل من السیارۃ یا اخی اے میرے بھائی گاڑی سے اتر جاؤ قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اضرب بعصاک الحجر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اضرب مارو بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر تو ان تمام مثالوں میں حمزہ وصل کو کسرہ دے دیا گیا ہے آخری شکل یہ بنتی ہے یا عین کلمہ اگر مفتوح ہو جیسے تدہب میں عین کلمہ ہا ہے اور ہا کے اوپر زبر ہے اگر عین کلمہ مفتوح ہو تو ہم نے پڑھ لیا کہ حمزہ وصل جو شروع میں لے آئیں گے اس کو بھی کسرہ دیں گے انت تدہب اصل صیغہ تدہب ہے علامت مضارع کو حذف کر دیا آخر کو ساکن کر دیا شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے اور حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے کیونکہ عین کلمہ مفتوح ہے تو پتا یہ چلا کہ عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے انت تفتحو سے تفتحو پھر علامت مضارع کو بھی حذف کریں گے آخر کو ساکن کریں گے شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے اور حمزہ وصل کو اعراب دینے کے لیے ہم دیکھیں گے عین کلمے کو عین کلمہ تا ہے اس کو برفتح ہے تو حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے افتح ہو گیا اب ان تمام مثالوں میں جو ہے وہ حمزہ وصل کو کسرہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی 12 مثالیں ہیں مثالیں آسان ہیں آپ جانتے ہیں ان کا ترجمہ افتح کتابک یا ابراہیم انتم کلکم تعرفون معنی هذه الجملہ احفظ درسک اقرأ هذا الدرس اذهب الى المسجد ارکب دراجتک اپنی سائیکل پر سوار ہو العب مع اختک یا اسماعیل لعب یلعب سے ہے یلعب عین کلمہ مفتوح ہے اشرب ماء باردا ٹھنڈا پانی پیو این مکتب البرید بولتے ہیں ڈاک خانے کو اینا مکتب البرید یا اخی انا لا ادری میں نہیں جانتا اسأل ذاک الرجل اس آدمی سے سوال کرو انا رجل غریب میں اجنبی آدمی ہوں ارفع رأسک ارفع صوتک قال اللہ تعالی فی القرآن
इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक قال الله تعالى لموسى عليه السلام اذهب الى فرعون وقال اذهب انت واخوك مكتب البريد डाक खाना पोस्ट ऑफिस। अब एक और नई चीज बताई है, वो ये है कि अंत तकुलो, ये जो वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है तकुलो, ला अदरी में फतह नहीं है, ला ये हर्फ नफी है, दरा यदरी से है, दरा यदरी वाहिद मुतकल्लम अदरी इस्तेमाल होता है। अभी जो आखिरी दो लफ्ज हैं अंत तकुलो अंत तखुदो, इससे अमर बनाने का तरीका सिखा रहे हैं कि इसे अमर बनाने का तरीका यह है कि जिस फेल के शुरू में हमजा हो उसको महमूस कहते हैं, जैसे अकल अखद। जिस फेल के शुरू में हमजा हो उसको महमूस कहते हैं, या कहीं पर भी हमजा हो, महमूजुल फा अगर फा कलमे में हमजा हो, महमूजुल आइन अगर आइन कलमे में हमजा हो, और महमूजुल लाम अगर लाम कलमे में हमजा हो। बहरहाल हमारे पास महमूजुल फा है। जब हम अमर बनाएंगे तो हम सीगा लेकर आएंगे हाजिर का, हाजिर का सीगा, क्योंकि अमर हाजिर फेल मुजारे हाजिर के सीगों से बनता है। फेल मुजारे के सीगे बनेंगे तकुलो और तखुदो। अमर बनाने का तरीका कार क्या है कि हम सबसे पहले शुरू में से अलामत मुजारे को हजफ कर देते हैं, अलामत मुजारे को हमने हजफ कर दिया। ना हजफ नहीं कर रही अब हम अलामत मुजारे को हजफ करने के बाद देख रहे हैं कि जो फा कलमा है वो साकिन है। जिस तरीके से तन सूरों में नून साकिन था, यहां पर फा कलमा हमजा है, हमजा साकिन है। अब इसके शुरू में हम हमजा लेकर आते हैं, ठीक है। हमजा को क्या इराब देंगे, इसलिए हम देखेंगे आइन कलमे पर क्या इराब है। आइन कलमे पर दोनों में जम्मा है, हम इसको जम्मा देंगे। तो ये हो जाएगा ओ कुल ओ खुद, ये अमर ठीक है, इसको हम यूं पढ़ सकते हैं ओ कुल ओ खुद, लेकिन ये है कि दो हमजे जिबान पर भारी पड़ रहे हैं ओ कुल और ओ खुस, लिहाजा इन दोनों को हजफ कर देंगे। कुल हो गया और खुस आखिर को साकिन कर देंगे, ये हमसे रह गया था, आखिर को साकिन कर कुल और खुस हो गया। तो यहां पर भी देखिए अंत तकुलो अंत तखुदो हाजिर के सीगे हैं। यहां पर जब हम अमर बनाएंगे अलामत मुजारे को हजफ कर देंगे और शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे, हमजा वसल को हम जम्मा देंगे, दो हमजे जम्मा हो जाएंगे तो भारी पड़ रहा है ओ कुल और ओ खुद, तो क्या करेंगे कि दोनों हमजों को हजफ कर देंगे और आखिर को साकिन कर देंगे। जी हाँ, ये आ सकता है ओ कुल आ सकता है ओ खुद, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ज्यादा फंसी यही है कि लफ्ज को हल्का रखा जाए, कुल और खुद कह देते हैं। ठीक है, वाज़े है। आतकिदु बिअन्नकुम कुल्लुकुम फहिम तुम, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जी हाँ,
ठीक है। सही, तो इतना मेरे ख्याल में काफी है, बाकी हम इंशाल्लाह अगले में पढ़ेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आप में से कोई मुझसे अरबी में सवाल करे, मैं करता हूं, आप में से कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूंगा। जी हम, मैं तकल्लुम के बारे में कह रहा हूं, आज मुझसे कौन बात करेगा और मुझसे अरबी में तकल्लुम करे, बात करे और सवाल करे। जी जब तक जवाब देंगे सोचेंगे तब तक टाइम भी हो गया। ठीक है, कोई सवाल था आपका असाइनमेंट के बारे में पूछिए। सर असाइनमेंट में इमरा का जवाब औरत है ना, सही, तो मैंने औरत मार्क किया लेकिन वो गलत आंसर बता रहा है। हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। व इन्नमा लिकुल इमरेन, हर शख्स के लिए वही है मानवा जो उसने नियत की। तो इम्र का माना क्या होता है, इम्रुन, मर्द, और आखिर में ता होता है तो उसको माना होता है औरत, इम्रातुन। जी समझ गई, जज़ाकअल्लाह खैर। ठीक, तो आप में से कोई तैयारी करके आएगा ताकि कल वो मुझसे बात कर सके, सवाल तैयार करके आए। सलाम जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, कैफ हालक, अल्हम्दुलिल्लाह। الان عندنا يؤذن غدا ان شاء الله سنتكلم، من معي، ما اسمك انت؟ नूर निसा, आप तैयारी करके आएगा मुझसे सवाल करने के लिए, सवालात आपके पास तैयार हो, ठीक है, ताकि हम तकल्लुम करेंगे। और आपने आखिर में पता नहीं कौन थे मर्द हजरत जिन्होंने मुझसे बात की, तो वो भी अगर तैयार करके आए तो कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, मेरा एलएमएस में मैंने जो फोटो क्लिक करके भेजा है वो मेकिंग सेंटेंस वाला, वो मेरा चेक नहीं हुआ है एलएमएस में। देखिए ये जो मामलात हैं ये इदारा देखता है, ठीक है, तो इस बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। ठीक है, सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।
सर जी मार रही है सर जी आई हैव जस्ट पेड बहुत है मार रही निभेगी करेक्ट जल्दी 70 जने ज्वाइन है और तू हाथ फैलाया मुंह को दिखाई दिया चलो मेरा पट्टा फेंक सर जी बहुत लगा सर जी पाकिस्तान से पाकिस्तान से तो भेजेंगे तगड़ी जब कमरान ने इतने कर छत्तर इंच तो पूरे घर की और जो है ना अपने माइक बंद कर दिए हैं प्लीज अपना ऑडियो वीडियो दो भी बंद कीजिए सिस्टर Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. पेज नंबर तो मेरे पास चूंकि किताब मुख्तलिफ है तो हदीस नंबर 84 हम पढ़ रहे थे, उसका आखिरी हिस्सा थोड़ा सा रहता है. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद. ये हदीस हम पढ़ रहे थे 84, सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रदियल्लाहु अन्हु वाली. उसमें आपने सारा तरीका पढ़ लिया था कि किस तरह उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने वुजू किया. उसके आखिर में है सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, यानी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने, रअईतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ नहव वुजूई, मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा कि आपने वुजू किया, नहव वुजूई मेरे वुजू की तरह, नहव माना तरह, वुजूई मेरे वुजू के. सुम्मा काला, अलैकुम अस्सलाम, फिर फरमाया, किसने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने नबी अलैहि सलाम को इस तरह वुजू करते हुए, यानी उन्होंने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया. सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, मन तवद्दअ नहव वुदूई हाज़ा, जिस शख्स ने वुजू किया मेरे इस वुजू की तरह, मन तवद्दअ जिस शख्स ने वुजू किया, नहव वुदूई हाजा मेरे इस वुजू की तरह, सुम्म सल्ला रकअतैनी, फिर उसने नमाज पढ़ी दो रकअतें, फिर उसने नमाज पढ़ी दो रकअतें, ला युहद्दिसु नफ्सहु फीहिमा बिशैइन, नहीं बातें की उसने नफ्सहु अपने आप से, फीहिमा उन दोनों रकातों में, बिशैइन कुछ भी, ला युहद्दिसु नफ्सहु फीहिमा बिशैइन माना उन दो रकातों में उसने अपने आप से कुछ भी बात नहीं की, غفر له ما تقدم من ذنبه, معاف कर दिया जाएगा उसके लिए
मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, वो सब जो उसने पहले किया गुनाहों में से, गुनाह में से। गुफिरा लहू, माफ कर दिया जाएगा उसके लिए, बख्श दिया जाएगा उसके लिए। मा तकद्दमा, वो सब तकद्दमा जो उसने पहले किया, मिन ज़म्बिही, गुनाह में से। माना इसका यही है कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये हदीस है मुकम्मल जो हमने अभी पढ़ी है। एक तो इसका जो माना है ना, ला युहद्दिसु नफ्सहु फीहिमा बिशैइन, के ना बात करे उसमें नफ्सहु अपने आप से, बिशैइन कुछ भी। तो इसका मतलब अल्लामा नववी फरमाते हैं, यानी मिन उमूरिद दुनिया, यानी ला युहद्दिसु नफ्सहु बिशैइन मिन उमूरिद दुनिया, कि उस नमाज में दुनियावी उमूर और दुनियावी ख्यालात को ना सोचे। तो ला युहद्दिसु नफ्सहु फीमा बिशैइन का मतलब कि मिन उमूर दुनिया, कि दुनियावी उमूर, दुनियावी मामलात, यानी हर वो चीज और हर वो ख्याल जो नमाज से हटकर है, हर वो ख्याल जो नमाज से हटकर है उसको वो ना सोचे। बिल फर्ज़ो महल, अगर कोई सोच उसके जहन में आ भी जाती है, ठीक है, क्योंकि इस पर तो इंसान कादिर नहीं है ना कि उसको कोई सोच आए ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो सोच आ ही जाती है, अगर कोई सोच आ जाए उसके जहन में तो फौरन क्या करे, उसको, उस ख्याल को फौरन रफा कर दे, खत्म कर दे उस ख्याल को, और उस पे यानी मुस्तकिर ना रहे, दवाम ना रखे उस पे कि उस ख्याल को मजीद सोचता रहे, बल्कि ऐसा ना हो जैसे ही कोई ख्याल आया फौरन उसको झटक दे, खत्म कर दे उस ख्याल को, और अपनी सारी तवज्जो नमाज के अंदर रखे। उन्होंने जो कहा है ना मिन उमूर दुनिया, उसके आगे उन्होंने यानी ये भी कहा है वमाला यतअल्लकु बिस्सला, और हर वो मामला, हर वो ख्याल जिसका नमाज से ताल्लुक नहीं है। तो इसमें जाहिर है फिर दीनी ख्यालात भी आ जाएंगे, यानी है तो दीनी ख्याल लेकिन चूंकि उसका उस वक्त नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है तो मानो उसको भी इंसान ने नहीं सोचना, तो सारी अगर जो नमाज में रखी जाए तो आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये हदीस का तर्जुमा वाजे है, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है। शुरू से अन हुमरान अबनी अबाना, हुमरान बिन अबान कहते हैं, रई तो उस्मान अबना अफाना, मैंने उस्मान बिन अफान रदियल्लाहु अन्हु देखा, तवद्दअ, कि आपने वजू किया, फअफ़रगा अला यदैही सलासन, बहाया अपने दोनों हाथों पर तीन मरतबा, यानी पानी बहाया, फ़ग़सलहुमा, और उन दोनों हाथों को धोया। ثم تمضمض, फिर आपने कुल्ली की, वस्तनशका, और नाक में पानी चढ़ाया, ثم غسل وجهه ثلاثا, फिर धोया अपने चेहरे को तीन मरतबा, ثم غسل يديه اليمنى الى المرفق ثلاثا, फिर धोया अपने दाएं हाथ को कोहनी समेत तीन मरतबा, ثم اليسرى مثل ذلك, फिर बाएं हाथ को भी इसी तरह, ثم مسح برأسه, फिर अपने सर का मसह किया, ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا, फिर धोया अपना दायां पांव तीन मर्तबा, ثم اليسرى مثل ذلك, फिر بایاں پاؤں بھی اسی طرح,
ثم قال پھر عثمان نے کہا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے وضو کیا نحو وضوئی میرے وضو کی طرح ثم قال پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وضو کرنے کے بعد من توضأ نحو وضوئی ہذا جس شخص نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح ثم صلى ركعتين پھر اس نے دو رکعتیں نماز پڑھی لا يحدث نفسه فيهما بشيء نہیں بات کی اس نے اپنے آپ سے ان دو رکعتوں میں کچھ بھی غفر له ما تقدم من ذنبه معاف کر دیا جائے گا اس کے لیے وہ سب کچھ جو اس نے پہلے کیا گناہ میں سے یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ جیسے امیر عمر اسلامی افواج اور جہاد سے متعلق سوچتے تھے مجھے اس روایت کا علم نہیں ہے اللہ عالم یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں انہوں نے کیا فرمایا علامہ نووی نے نبوی نہیں نووی نون ڈبل واو یہ جس کو بہت سے لوگ نووی پڑھتے ہیں علامہ نووی تو انہوں نے کہے لا یحدث نفسہ بشیء من امور الدنیا دنیاوی امور میں سے اور آگے ایک اور بات کہی وما لا يتعلق بالصلاة اور ہر وہ چیز جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو نہ سوچے تو یہ فضیلت ہے بہت بڑی آپ اس میں دیکھیں کہ وضو کے بعد انسان صرف دو رکعتیں نماز پڑھے صرف اس کا وصف یہ ہو نماز کا کہ اس نماز میں ساری توجہ سارا خیال اللہ رب العالمین کی طرف ہو نماز کی طرف ہو اور کوئی خیال نہ ہو اور کوئی دنیاوی معاملات لین دین امور ان کی طرف خیال نہ جائے تو جب اس طرح ایک بندہ نماز پڑھے صرف دو رکعتیں تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ثم قال کس نے کہا آخر میں ثم قال کہنے والے عثمان ہیں ٹھیک ہے اور مراد ان کی اللہ کے رسول ہیں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ثم قال پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا یہ جو رکعتین ہے نا یہ تحیت الوضو نہیں ہے بلکہ ایک عام دو رکعت ہے انسان گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے صرف اس کا دل کر رہا ہے نفل نماز پڑھنے کا تو وہ وضو کر کے اچھا وضو سنت کے مطابق اور صرف دو رکعت نماز پڑھے گا اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے ہاں یہ ایک عشق یعنی ایک معاملہ ہے کہ جن احادیث میں آتا ہے نا غفر له ما تقدم من ذنبه علماء نے اس طرح کی حدیثوں کو جمع بھی کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے سلسلۃ غفر له غفر له والی احادیث کا سلسلہ بہت ساری احادیث ہیں ایسی تو علماء کے اجماع کے مطابق ان احادیث میں غفر له سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے گناہ ٹھیک ہے انسان کے صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے چھوٹے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں جن میں بڑے ثواب ہے وضو کے تعلق سے مثال کے طور پہ اس سے بھی آسان بات اس سے بھی آسان بلکہ اس میں تو واقعہ بھی ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے تھے ٹھیک ہے بلکہ نہیں عقبہ بن عامر یعنی عمر رضی اللہ عنہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے وہ آ کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے تو اس درس میں انہوں نے ایک حدیث سنی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہی والی حدیث تھی یہی والی کہ جو اس طرح وضو پورا کرے گا اور اس کے بعد دو رکعتیں نماز پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے تو عقبہ نے بڑا ایک کلمہ تعجب ادا کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے چھوٹا سا عمل ہے کہ صرف وضو کر کے دو رکعتیں نماز پڑھنی اور اس میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو کتنا عظیم عمل ہے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے پیچھے سے ہاتھ مارا تو کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کون تھے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ عقبہ تم تو اس حدیث پہ اتنا عشش کر رہے ہو اور اتنا حیران ہو رہے ہو اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو اس سے بھی آسان اور اس سے بھی عظیم حدیث سنتے فضیلت کے اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ آسان عمل تھا اور فضیلت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ تھا تو عقبہ بن عامر نے کہا وہ حدیث مجھے بھی سنائیے تو پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا صحیح ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. تو جس شخص نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. تو یہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر تم یہ حدیث سن لیتے تو تمہارے حیرانی اور خوشی کا کیا عالم ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وضو سے متعلق احادیث ہیں اور بڑا ہی چھوٹا اور یعنی انتہائی جسے کہتے ہیں آسان عمل ہے لیکن اتنا ثواب ہے اس پہ. بعض روایات میں یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ یہاں پہ وضو کیا اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ نے بھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو وضو کرنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا من توضع نحو وضوئی هذا غفر له ما تقدم من ذنبی. کہ جس شخص نے صرف میرے اس وضو کی طرح وضو کر لیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اس میں دو رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے. ابو ہریرہ والی حدیث میں ان دو رکعتوں کا بھی ذکر نہیں ہے, صرف یہ ذکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ بس ایک سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ سلسلہ غفر لہو کہ گناہوں کی بخشش کا یعنی سلسلہ ہے یہ پورا. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی اسی سلسلہ کی, یہ سنن ابو داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, مطلب حدیث بالکل صحیح ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دعا کرے گا. ابو ہریرہ والی حدیث وہ کس کتاب میں ہے؟ وہ غالباً صحیح مسلم میں ہے, مجھے حوالہ اس سے صحیح یاد نہیں ہے لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ صحیح مسلم میں ہے. تو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے ایک دعا پڑھی وہ دعا دراصل استغفار کی دعا ہے, ٹھیک ہے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے, تین جملہ دعا میں, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے, جس شخص نے یہ دعا پڑھی تو غفر له ما تقدم من ذنبه وان تولى يوم الزحف. یہ مکمل حدیث ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی جہاد میں جا کر اس مارکر جہاد سے واپس بھاگ کر بھی آ گیا ہو تو اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا. اور یہ جو گناہ ہے نا کہ ایک شخص جہاد کے لیے جائے اور میدان جہاد سے واپس بھاگ کے آ جائے, اس گناہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے السبع الموبقات میں ذکر کیا ہے, سات ایسے گناہ جو ہلاک اور تباہ و برباد کر دینے والے ہیں. ان میں سے ایک گناہ ہے التولی یوم الزحف کہ انسان میدان جہاد سے بھاگ کر آ جائے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا. ریپیٹ کر دیتا ہوں, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم, اور تیسرا واتوب الیہ. اچھا یہ جو حدیث ہے نا اس میں بھی غفر لہو ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس کے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے, بڑے گناہ بھی. کیوں؟ کیونکہ دراصل اس حدیث میں استغفار ہے, اس حدیث میں استغفار ہے. تو اگر ایک انسان یعنی سچے دل سے استغفار کرے اپنے سارے گناہوں کے بارے میں اور یہ کلمہ ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا, بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا. حسن المسلم میں غالباً ہے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے حسن المسلم میں ہے یا نہیں. بسم اللہ, ایک اور حدیث سلسلہ غفر لہو کی ہے لباس کے تعلق سے کہ جس شخص نے لباس پہنا اور لباس پہننے کے بعد دعا کی کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جس شخص نے یہ دعا پڑھی لباس پہننے کے بعد تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر دی جائیں. کھانے کے حوالے سے بھی ہے, کھانا کھانے کے بعد دعا کرے یعنی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے بھی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی.
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. جی ہاں بالکل بالکل یہی دعا ہے. سات گناہ کون کون سے؟ وہی یعنی شرک اور قتل اور التولی یوم الزحف زنا, اس طرح کے جو السبع الموبقات ہیں. اور قذف المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا. مجلس والی دعا بھی یعنی اس میں تھوڑا سا وہ بھی پڑھنی چاہیے, وہ بھی اچھی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے جامع ترمذی میں, اس کی صحت اور ضعف میں تھوڑا سا اختلاف ہے, وہ اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین, یہ بھی پڑھنی چاہیے. سم ٹائمز ہماری روٹین رہ جاتی ہے دعا پڑھنے کی, اور ہر بار اجر مائنڈ میں نہیں رہتا, تو پھر بھی اجر ملے گا. یہ شرط تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو اس کا اجر پتا ہے تبھی اجر ملے گا. شریعت کی تو یہی تو بہاریں ہیں کہ آپ کو اجر کا علم نہیں, آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں بے خیالی میں, آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے دعا پڑھی ہے, لیکن آپ نے پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی دعا یعنی اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے سوائے یہ استغفار والی حدیث جو آپ کو بتائیے نا, اس میں. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ یعنی جو توبہ اور استغفار کی جو شرائط ہیں وہ ساری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ وہ اگر ہوں گی تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جی ہاں, اسی سلسلے کی کھانا کھانے کے بعد والی دعا. آگے کون پڑھے گا؟ پڑھیں آپ. وعلیکم السلام. باب بأي اليدين يتمضمض عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. احسنت بارك الله فيك. باب بأي اليدين يتمضمض. کس دونوں ہاتھوں میں سے کس ہاتھ کے ساتھ کلی کرے, یعنی جب انسان وضو میں کلی کرے تو کس ہاتھ کا استعمال کرے. تو دیکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وہ بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ سے مضمضہ کیا, ٹھیک ہے؟ تو یہی بات بالکل صحیح ہے. تو یہ باب اس لیے قائم کیا ہے, ممکن ہے کہ جو مضمضہ ہے وہ ہے طہارت, ٹھیک ہے؟ آپ اس میں اپنے منہ کی پاکیزگی کر رہے ہیں, طہارت حاصل کر رہے ہیں. تو یعنی طہارت کے کچھ امور کچھ معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کیا ہے, بایاں ہاتھ یعنی جو ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے.
उसको इस्तेमाल किया तहारत के कुछ उमूर। एक तो है ना, हम वजू करते हैं, वजू से, वजू की यानी शुरुआत दाएं हाथ से होती है, दाएं तरफ से सारे मामलात होते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज साफ कर रहे हैं तो उसके लिए अल्लाह के रसूल ने यानी बायां हाथ भी इस्तेमाल किया, जैसे इस्तिंजा करते हैं बायां हाथ से, उसमें भी तहारत है। तो मदमदा ये भी एक तहारत है, तो क्या इसमें भी लेफ्ट हैंड है? नहीं, इसमें लेफ्ट हैंड नहीं है, इसमें सीधा हाथ ही इस्तेमाल करना है। हम मिसवाक करते हैं ना मिसवाक, तो मिसवाक में भी उलमा का ये इख्तलाफ है कि आप उसको यानी सीधे हाथ से करें या उल्टे हाथ से। वो अलग बात है, उसमें राजे जो है वो यही है कि सीधे हाथ से ही करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उलमा का यानी एक कॉल ये भी है उसमें कि यानी बाएं हाथ से करना चाहिए, क्योंकि ये तहारत है, आप तहारत हासिल कर रहे हैं तो बाएं हाथ से करना चाहिए। लेकिन वहां पर भी ज्यादा बेहतर यही है कि सीधे हाथ से, वही यानी जो हमारा नहीं यानी निजासत का नतीजा और मकसद भी तो वही है ना, तहारत हासिल करना। वो है ना यानी बटन वाले, तो आप वो ब्रेक दबा के सही है, फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। पावर होना चाहिए क्या मतलब? नहीं नहीं, की नहीं डलेगी, आपने ब्रेक दबाई है, ब्रेक यानी दबा के रखें और फिर साथ बटन से जैसे हम सेल्फ देते हैं चाबी से, उसी तरह करें स्टार्ट होगी। इन दोनों रिवायत में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है, बस अल्फाज का थोड़ा सा इख्तिलाफ है। और इस रिवायत में यानी ये वजाहत है कि नबी रसूलुल्लाह जो कुल्ली की है वो दाएं हाथ से की है, तो यही यानी इमाम नसाई का इसमें इस्तिदलाल है। जो आप पढ़ है ना पूरी हदीस का तर्जुमा करना है, क्योंकि सेम है तकरीबन, कोई नया लफ्ज तो नहीं है इसमें, बस कुछ यानी उसमें जो नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया वहां पर कुछ अल्फाज मुख्तलिफ हैं। जो इस्तिदलाल है ना इमाम नसाई का वो बस समझ लें, वो क्या इस्तिदलाल है? अन्नहु रआ उस्मान दआ बिवुदूइन फअफरगा अला यदैहि मिन इनाइहि, बहाय अपने दोनों हाथों पर, मिन इनाई उस बर्तन में से, फगसलहा सलास मर्रातिन और उन हाथों को तीन मर्तबा धोया, सुम्मा अदखला यमीनहु, ये इस्तिदलाल है ठीक है, ये पिछली रिवायत में नहीं था जो इस रिवायत में, फिर दाखिल किया अपना दाया हाथ, फिल वदूई वजू के बर्तन में, फतमदमदा फिर कुल्ली की, वस्तन शका और नाक में पानी चढ़ाया, सुम्मा गसला वजहू सलासन और इस तरह आगे आखिर तक। ये तो बयान नहीं है, फसल और वसल वाला इख्तलाफ तो इसमें बयान नहीं है, बस बयान करने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथ इस्तेमाल किया वो दायां हाथ था। वो तो उसमें तो ये भी तो हो सकता है ना कि यानी हाँ यानी जब हाथ डाला, जाहिर हाथ जब इस्तिंशाक और मजमजा के लिए जाहिर तीन मरतबा डालेंगे ना, क्योंकि तीन मरतबा आपने करना है ठीक है, तो उसमें ये भी तो मुमकिन है कि यानी मजमजा किया फिर उसके बाद अलग से इस्तिंशाक किया। वो अलग बात है कि बेहतर वही है वसल, दोनों को मिलाना, और उस वसल के लिए अलग से रिवायात मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही कफ एक ही हाथ से मजमजा और इस्तिंशाक दोनों किए हैं। ये एक मजीद एक जिसे कहते हैं ना कि अमल है कि पानी क्या पानी से कुल्ली करते वक्त मुंह में उंगली डालकर रगड़ना चाहिए, ये एक जिसे कहते हैं ना एक मजीद अमल है जो बाज यानी मौके पर बयान किया गया है। तो इस तरह यानी इंसान कभी कभी कर सकता है ठीक है, कभी कभी इस तरह भी कर सकता है और ये ठीक है, करना चाहिए इस तरह भी। लेकिन जो अक्सर रिवायतें ना उनमें ये अमल मौजूद नहीं है, माना यानी इससे ये पता चलता है के जो नबी सल्लल्लाहु ने जो अक्सर वजू किया ना उसमें आपने ऐसे नहीं किया, अक्सर मौके पे आपने ऐसे नहीं किया। तो बाज रवायात में मिलता है आप उसको लेकर यानी आप कभी कभार इस तरह भी करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात याद रहे कि ये उल्टे हाथ से होगा, उल्टे हाथ की उंगली से। दआ मतलब मंगवाया, वैसे दआ का माना वही होता है ना बुलाना,
तो ये आगे बी वजू इन, वो उसको मुतअद्दी बना रहा है, तो दआ बी वजू इन, मंगवाया वजू का बर्तन। अगला बाब है बाब उत्तिखादिल इस्तिंशा की। मिसवाक करते थे कुल्ली के वक्त, वो भी यानी मिसवाक का भी जो जो यानी इस्तेमाल है उसका भी जो यानी जगह है, जगह से मतलब है कि मौज़े मौज़े इस्तेमाल, वो वजू से पहले का है, ठीक है। और दूसरा वो ये जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने जब मदमजा किया तो साथ ही मिसवाक से उसको रगड़ लिया, ये दोनों तरीके साबित है, दोनों ठीक है। कि एक तरीका यह है कि आप वजू से पहले मिसवाक कर लें और दूसरा तरीका क्या आप मदमजा के दौरान मिसवाक कर लें, दोनों मिलते हैं। इस्तिंशाक उल्टे हाथ से होगा? नहीं, इस्तिंशाक जो है ना वो सीधे हाथ से होगा। जो इस्तिंसार है ना, इस्तिंसार जब आपने नाक से झाड़ना है पानी, तो वो उल्टे हाथ से होगा, ठीक है, वो उल्टे हाथ से करना है, वो सीधे हाथ से नहीं। जी आप पढ़ें आगे। जी जी वो भी उल्टा। अच्छा اتخاذ الاستنشاق عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر। ठीक है, बारक अल्लाह बिक। मिसवाक अगर कोई एंड पर करे यानी वुजू के बाद तो उसको भी यानी सही समझा जाएगा, जो सुन्नत के मुताबिक वुजू है। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर इंसान वुजू के बाद भी मिसवाक करे तो उसकी भी वो फजीलत अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक हदीस के अल्फाज हैं, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलातिन, हर नमाज के साथ हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। तो माना इसका क्या हुआ, जो मिसवाक का जो मकसद है वो नमाज के लिए, तो आपने नमाज से पहले मिसवाक कर ली तो आपको फरीजा यानी जो सुन्नत है वो अदा हो गई और बिल्कुल तसव्वुर माना जाएगा। यानी बेहतर वही है कि आप वुजू से पहले कर लें ताकि इंदा कुल्ली वुजू इन और इंदा कुल्ली सलातिन दोनों पर अमल हो जाए, लेकिन अगर आप वुजू के बाद करें तो वो भी ठीक होगा। इत्तिखाजुल इस्तिंशाक, इत्तिखाजुल इस्तिंशाक का माना है नाक में अच्छी तरह पानी डालना, जो इसका मकसद है ना इत्तिखाजुल इस्तिंशाक, यानी नाक में जो पानी आप चढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह करें। फलयजअल में लामे अमर है। अच्छा, वो भी हम वहां पे जब पढ़ेंगे तो उस पर बताएंगे। जी हाँ, लामे अमर ही है वो। इत्तिखाजिल इस्तिंशाकी यानी नाक में पानी चढ़ाने में उसको यानी उसको अच्छी तरह करना। इत्तिखाज का जो मतलब होता है ना यानी लफ्जी माना इत्तिखाज का, वो होता है बनाना। इत्तखाजा यत्तखीदु इत्तिखाजन, जिसका माना होता है बनाना। तो लफ्जी माना अगर हम देखें तो वो यही होगा, इस्तिंशाक बनाना। मुराद इसका क्या है कि इस्तिंशाक में अच्छी तरह इंसान उसको पानी को अपनी नाक में डाले। मुझे मिसवाक यूज करना नहीं आता, मतलब यूज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मतलब जैसे ब्रश यूज करते हैं हम, उसी तरह मिसवाक यूज होगी। यानी उसको जब आप लकड़ी लेते हैं तो वो पहले सामने से उसको चबा के पहले उसको नरम किया जाता है, बस ये तरीका है कि उसको आपने उस लकड़ी को सामने से यानी चबा के उसको बाइट करके आपने उसको नरम जब कर दिया तो अब आप उसको इस्तेमाल करने के काबिल बना देते हैं। फिर वो जिस तरह ब्रश इस्तेमाल होता है उसी तरह आप मिसवाक भी यूज करेंगे। बना दिया है इस आसान सुन्नत को, इसलिए इतने तरीके वजह किए आयुन साग के लिए, तो ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं ताकि आसान हो जाए। ये बात भी ठीक है, यानी हमारे माशरे में बहुत मुश्किल बना दिया गया मिसवाक को, हालांकि ऐसा पता नहीं है, बहुत आसान सी सुन्नत है ये। अगर कुरान की आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो क्या तब भी
पढ़ेंगे जी हाँ तब भी पढ़ लेना चाहिए, तब भी पढ़ लेना चाहिए, यानी आप वहां पे रुक के जैसे आप सूरतुल फतह की तिलावत कर रहे हैं और उसमें आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप वहां रुक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें फिर यानी आराम से, ऐसा ना लगे कि किरात का हिस्सा है, ऐसा ना लगे, दिल में पढ़ लें और फिर उसके आगे शुरू करें। सिंचाक लेना हो सकता है पढ़ना, मुझे याद नहीं है, आप पूछ लें, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इतने सारे सवाल आते हैं। इस्तिंशाक का लफ्जी माना, ये तो मुझे भी नहीं पता, लफ्जी माना यही है कि आप यानी बस नाक में आप पानी इस्तेमाल करें, यही माना बताया जाता है, और इसका कोई लफ्जी माना यही यही बताया जाता है, और तो कोई नहीं है। भाई ऑफ द टॉपिक सवालात आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, हदीस है इस वाले से, हदीस पढ़ लें पहले। عن ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه سے مروی ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا توضا احدكم جب وضو کرے تمہارا کوئی ایک فليجعل اسے چاہیے کہ بنائے لیکن لفظی معنی کر رہا ہوں ابھی فليجعل اسے چاہیے کہ وہ بنائے فی انفہ ماء अपनी नाक में पानी को सुम्मल यस्तंसिर फिर उसे चाहिए कि वो उस नाक को अच्छी तरह झाड़े। इदा तवद्दअ अहदुकुम जब वुजू करे अहदुकुम तुम्हारा कोई एक फलयजअल फी अनफिहि माअन उसे चाहिए कि वो अपनी नाक में पानी बनाए थुम्मल यस्तंसिर फिर उसे चाहिए कि उससे उसे झाड़े। झाड़े का मतलब ये कि जब इस्तिंशाक कर लिया पानी अंदर नाक में चढ़ा लिया तो अब क्या करना है कि उस नाक को झाड़ना है, ये इस्तिंसार होता है कि आप नाक को झाड़े। इसके सबके मानी हम पहले बता चुके हैं, मदमदा क्या था तहरीकुल माई फिल फम, इस्तिंशाक क्या था इदखालुल माई इला दाखिलिल अन्फ, और इस्तिंसार क्या था इखराजुल माई मिनल अन्फ। इस सब के मानी हम बता चुके हैं और ये एक इम्तिहानी सवाल है आप लोगों के लिए। तहरीक हा हलवे वाला, जी हाँ रिपीट। इमरान साहब पहले आराम से बैठे हुए थे, जैसे मैंने कहा इम्तिहानी सवाल है तो फौरन रिपीट रिपीट कर देता हूं, मदमदा है तहरीकुल माई फिल फम और इस्तिंशाक है इदखालुल माई इला दाखिलिल अन्फ और इस्तिंसार है इखराजुल माई मिनल अन्फ। ये दूसरी तीसरी बार एक सवाल आ रहा है जो मौजू से हटके है लेकिन हम फिर भी चले बता देते हैं कि किसी सूरत के दरमियान से अगर पढ़ रहे हैं तो तस्मिया और तावुज पढ़ने के हवाले से दोनों जवाज है, यानी तावुज तो पढ़ना ही पढ़ना है, आउज़ु बिल्लाह तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ने के हवाले से जवाज है, पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। लियस्तंजिर भी गायब अमर का सीगा है, जी हाँ लियस्तंजिर उसे चाहिए कि वो नाक झाड़े और यही इस हदीस से इस्तदलाल लिया है इमाम नसाई ने लफ्ज सुम्म ये नहीं इससे नहीं इससे पहले वाली फल यजअल फी अनफिही माअन ये है इस्तिंशाक, ठीक है
यानी ये इस्तिंशाक का सही माना जो हदीस में आया वो बताया जा रहा है कि इस्तिंशाक किस तरह करे, फलयजअल फी अनफिही माअन, कि उसे चाहिए कि वो अपनी नाक में पानी बनाए। बनाए का मतलब जाहिर अरबी है, तो बनाए का मतलब यह है कि उसे नाक में पानी डाले। वाज़े तो फलयजअल फी अनफिही माअन महल इस्तिदलाल हुआ। आगे पढ़ें, आप पढ़ेंगे? المبالغة في الاستنشاق عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ادخال الماء الى داخل الانف اس طرح ہے، الى کے بعد داخل الانف، المبالغة في الاستنشاق، استنشاق میں مبالغہ کرنا، یہ جعلو شروع کے معنی میں نہیں ہے یہاں پہ، نہیں بالکل نہیں، شروع کے معنی میں نہیں ہے، ہاں الى داخل الانف تصحیح، تصحیح کی تصحیح کر لیں کیونکہ تصحیح ایسے نہیں لگتے۔ اچھا بہرحال المبالغۃ فی الاستنشاق، استنشاق میں مبالغہ کرنا، مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی کام بہت زیادہ، ہاں اہتمام سے کرنا اور بہت زیادہ کرنا، اسے کہتے ہیں مبالغہ۔ مبالغہ جو ہے نا، مبالغہ کہیں پر مذموم ہے اور کہیں پر ممدوح ہے، کہیں پر مذموم ہے یعنی قابل مذمت اور کہیں پر ممدوح ہے یعنی قابل تعریف، صحیح ہے؟ مذموم کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ ہم کیا مبالغہ کریں، ہم مبالغہ کریں پانی کے استعمال میں، وضو میں پانی کے استعمال، بہت زیادہ پانی خرچ کر رہے ہیں، تو یہ مبالغہ اگر پانی میں کریں تو یہ مذموم ہے کیونکہ یہ پھر اسراف ہو جائے گا۔ جی ہاں ایگزیجریٹ کرنا، اور جہاں پر ممدوح ہے اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ آپ استنشاق میں مبالغہ کریں، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے آپ اس میں مبالغہ کریں، زیادہ پانی ڈالیں، تو یہ ایک ممدوح عمل اور اسی طرح کرنا چاہیے۔ حدیث لائے ہیں عن عاصم بن لقیط بن صبرتہ، اور ایک یعنی اعراب کے مطابق صبرتہ، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ صبرتہ یعنی باب جزم ہے، ٹھیک ہے۔ عن عاصم بن لقیط بن صبرتہ کوئی اس پورے نام کی کا اعراب حل کر سکتا ہے؟ عن عاصم ابن لقیط ابن صبرتہ، مذموم، جو حل کر سکتا ہے اعراب آن لائن میں سے بھی تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جو ہاتھ کھڑا ہوا تھا وہ بھی بیٹھ گیا۔
جی کریں حرف جر ابھی اس کو سب ڈائریکٹ مجرور نہیں بنائیں گے وہ پورا کریں پہلے پھر اس کے بعد مجرور ہوگا عاصم موصوف ہے اور بن کو ابھی صفت نہ بنائیں بلکہ پہلے آگے سے تعلق جوڑیں جی بالکل جی بالکل مضاف ٹھیک ہے بس صحیح ہے بارک اللہ فیک تو یہ اس کا جو اعراب ہے نا یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں بن کا تو یہاں پہ اصل میں دو بن آ گئے ہیں تو اس لیے اس کو کس طرح کریں گے کہ آپ پہلے سے اس کا تعلق جوڑتے جائیں عن حرف جر عاصم یہ موصوف ٹھیک ہے کیونکہ بن پہلے کے لیے صفت بنتا ہے تو عاصم موصوف بن مضاف پہلے مضاف بنائیں گے یعنی یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آگے سے تعلق پورا کرتے ہیں جب آگے سے تعلق پورا ہو جائے اس کے بعد پیچھے سے تعلق جوڑتے ہیں تو عاصم موصوف ہوگا بن مضاف ہوگا لقیط یہ پھر موصوف ہے آگے بن کے لیے صحیح ہے اور اگلا جو بن ہے وہ پھر مضاف ہے صبرہ کے لیے پھر کیا ہوگا جی پھر یہ بن اپنے مضاف الی صبرہ سے مل کر یہ لقیط کی صفت بن جائے گا اور پھر لقیط اپنی یعنی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور بن جائے گا پہلے سوری مجرور کہہ رہا ہوں مضاف الی مضاف الیہ بن جائے گا پہلے بن کا اور پہلا بن جو ہے وہ یعنی جو کہ مضاف بنایا تھا ہم نے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا جی عاصم کا کیا بنے گا یہ صفت بنے گا نا عاصم کی صفت ہے جی ہاں تو یہ عاصم کی صفت بن جائے گی پھر کیا ہوگا کہ عاصم موصوف اپنی یہ صفت سے مل کر اب یہ عین حرف جر کا مجرور بن جائے گا تو عاصم بن لقیط بن صبرہ اور ایک اعراب کے مطابق صبرہ وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہی اپنے والد سے تو ان کے والد کون ہوں گے لقیط بن صبرہ جی ہاں یہ صحابی ہیں لقیط بن صبرہ یہ صحابی ہیں صبرہ کیا ہوگا صبرہ یہ مضاف الیہ بنایا تھا ہم نے بن کا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے تو یہاں پہ جر کیوں نہیں آیا کیا جواب ہے غیر منصرف پڑھے آپ نے ہاں غیر منصرف ہے دو سبب ہیں یہاں پہ غیر منصرف کے ایک تائے تانیس اور دوسرا علم عن ابیہ وہ اپنے والد یعنی لقیط بن صبرہ سے روایت کرتے ہیں قال لقید کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء مجھے خبر دیجئے وضو کے بارے میں یعنی وضو کے بارے میں مجھے خبر دیجئے قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو یہ لفظی ترجمہ پہلے پورا کر لیں حدیث کا پھر آپ کو معنی بتاتے ہیں اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو وبالغ فی الاستنشاق اور مبالغہ کرو ناک میں پانی چڑھانے میں الا ان تکون صائما مگر یہ کہ تم روزے سے ہو
اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو. وبالغ فی الاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو. الا ان تکون صائما مگر یہ کہ تم روزے دار ہو. معنی جب روزے دار ہو تو مبالغہ نہیں کرنا, اگر روزے دار ہو تو مبالغہ نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب روزے دار نہیں ہو تو اتنا مبالغہ کرو کہ تمہیں اس کا اثر اندر محسوس ہونے لگے, اور یہی مطلوب ہے, یہی مقصود ہے کہ اس کیوں ہے اس شیخ یہاں جگہ. جی سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال؟ یہ ترجمہ سمجھ آ گیا حدیث کا, واضح ترجمہ ہے. اسبغ الوضوء کا معنی ہے وضوء کو مکمل کرو. یہ اسبغ جو ہے نا, اسبغ یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ نکلا ہے اسباغ سے. اسباغ, ٹھیک ہے. اسباغ کسے کہتے ہیں؟ اسباغ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان مکمل وضوء کرے, ٹھیک ہے, مکمل وضوء, اور اس طرح مکمل کرے کہ ہر عضو کو اچھی طرح دھوئے اور ساتھ ہی ساتھ تین مرتبہ دھوئے, ٹھیک ہے. اس پورے معنی کو اس باغ کہتے ہیں ہم. یعنی اس باغ کسے کہیں گے؟ اعضاء کو اچھی طرح دھونا, اور نمبر دو تسلیس. تسلیس کا معنی تین بار, یعنی ہر عضو کو تین تین بار دھونا, اسے کہتے ہیں اسباغ. اچھا ٹھیک ہے, پہلے آپ کو یہ اس باغ کا جو معنی سمجھ آ گیا نا, کہ اس باغ اسے کہیں گے کہ آپ ہر یعنی اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوئیں, کوئی بھی اس سب بالکل بھی یعنی خشک نہ رہے. اور نمبر دو تسلیس, یعنی تین تین بار دھوئیں ہر عضو کو, تو اسے کہا جاتا ہے اس باغ. مل مل کر دھونا, جی ہاں مل مل کر دھونا ہی مقصد ہے وضو میں, اور اسی طرح دھونا چاہیے. اچھا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یعنی اسبغ, تو اس پہ یعنی فتحہ کیوں آ رہا ہے اسبغ پہ؟ تو یہ باب افعال ہے, اور باب افعال کا جو امر ہے وہ اسی طرح آتا ہے, اکرم, ٹھیک ہے, علی وزنی اکرم اسبغ. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ روٹ ورڈ ہے سین با غین سبغ. سمجھ آ گئی بات؟ باقی رہا اس جو استدلال ہے حدیث امام نسائی کا, وہ بالکل واضح ہے, اور وہ ہے استنشاق میں مبالغہ کرنا. اور یہ کہاں سے لیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے, وبالغ فی الاستنشاق, کہ استنشاق میں مبالغہ کرو, الا یہ کہ تم روزے دار ہو, معنی اتنا مبالغہ کرو کہ تمہیں اس کا اثر اندر محسوس ہونے لگے. تو جب روزے دار ہو تو ایسے مت کرو, مبالغہ نہ کرو, بلکہ ایک عام سا استنشاق کر لو. تو ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ ہمیں استنشاق میں مبالغہ کرنا چاہیے, بہت زیادہ پانی چڑھانا چاہیے, اور شروع شروع میں ہم سب کو مشکل ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے, سب کو مشکل ہوتی ہے, اور عجیب یعنی وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, اور اس حکم کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں. تو ایک بڑی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اگر وہ تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنی موذی بیماریوں سے بچ جائیں گے یہ کرنے سے.
नेम सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह देखते हैं बाद में दोबारा करते हैं। सिर्फ यानी जो इस्तिंशाक बाज लोग इस तरह करते हैं कि बस टच कर दिया उन्होंने नाक को, तो ये इस्तिंशाक नहीं कहलाता। इस्तिंशाक कहते ही उसको है कि आप यानी पानी दाखिल करें नाक में, कम से कम दाखिल तो करें ना। मुबालगा तो एक और अलग चीज है कि आप इतना मुबालगा करें कि आपको वो असर ही अंदर महसूस होने लग जाए। ठीक है, वो इस्तिंशाक नहीं होगा फिर, यानी आपने सिर्फ टच किया है बस और अंदर दाखिल ही नहीं गया, तो वो इस्तिंशाक होगा ही नहीं। सही है, उससे यानी वो मकसद हासिल ही नहीं होगा। यानी कम से कम आपको नाक में पानी डालना जरूरी है, और इससे अगली स्टेज है मुबालगे की कि आपको यानी इतना मुबालगा करें कि आपको अंदर महसूस हो पानी। जिस स्विमिंग करते हुए नाक में पानी चढ़ जाता है, हाँ स्विमिंग करते हुए भी होता है, लोगों को नाक में पानी चढ़ जाता है तो कुछ देर के लिए जो है वो सर में दर्द होता है, लेकिन स्विमिंग करना नहीं छोड़ते। सही है, तो जब मुबालगा मुबालगे की बात है इस्तिंशाक में, तो फिर जी हमें सर में दर्द होता है। दो अल्फाज आप अभी तक मज़मूम और ममदूह में फंसे हुए हैं, मज़मूम मुज़म्मत से और ममदूह मदह से। ये मज़मूम है और ये ममदूह। अल्लाह मुबालगा ना किया जाए, अगर नॉर्मली मुबालगा ना किया जाए तो वुजू हो जाएगा। जी हाँ वुजू हो जाएगा, ये बात क्लियर है कि मुबालगा करना एक मसनून है, सुन्नत है। अगर मुबालगा नहीं करते, सिर्फ दाखिल कर दिया पानी, तो वो वुजू हो जाएगा आपका, यानी आपने इस्तिंशाक कर लिया। लेकिन अगर कोई इंसान मुबालगा नहीं करता तो उसका वुजू हो जाएगा, यानी उसमें ये नहीं कहेंगे कि हम उसने इस्तिंशाक नहीं किया। तो माना यह कि दो बातें हैं एक इस्तिंशाक के हवाले से। पहली स्टेज है कि आपने सिर्फ इस्तिंशाक किया नाक में पानी डालने के हवाले से, आपने नाक में पानी डाल दिया तो इस्तिंशाक हो गया। और दूसरी जो इससे आला है वो ये है कि आप मुबालगा करें, बहुत ज्यादा पानी डालें कि पानी अंदर महसूस हो। सिर्फ नाक में टच करना इस तरह के पानी अंदर ना जाए तो वो इस्तिंशाक नहीं होगा। वुजू होता है या नहीं, ये फिर इसमें एक अलग इख्तिलाफ है उलमा का, यानी जो जिन्होंने इस्तिंशाक को फिर फर्ज नहीं माना उनके नजदीक हो जाए, उनके नजदीक जो है वो जिन्होंने इस्तिंशाक को फर्ज नहीं माना उनके नजदीक वुजू हो जाएगा, और जिन्होंने फर्ज माना है उनके नजदीक नहीं होगा। तो वो भी एक अलग इख्तिलाफ है। एक अच्छा माशाल्लाह, मुझे अभी थोड़ी सी बात समझ आई है। गुफिर लहू वाली हदीस के बारे में कोई मुकम्मल किताब है तो नाम बताइएगा। मुकम्मल किताब नहीं है लेकिन मजमून है इस वाले से, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। आप लिखेंगे ना सिलसिला गुफिर लहू तो वहां पे आपको ये अहादीस मिल जाएंगी। कल आपको सवाल भी देता आपने जवाब नहीं दिया, बहुत सारे जवाब हमसे रह जाते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा उजर कबूल कीजिएगा। एक तो ये कि कुछ सवाल होते हैं ऑफ टॉप ऑफ द टॉपिक तो वो रह जाते हैं और उसमें मेरा कसूर नहीं है, और दूसरे ये कि बहुत सारे सवाल आते हैं तो उसमें भी बस औकात दो तीन सवाल रह जाते हैं। तो आप दोबारा कर लें, अगर मौजू से मुतालिक है तो दोबारा कर लें, और अगर मौजू से मुतालिक नहीं है तो फिर क्लास के एंड में जब हमारा टाइम पूरा हो जाए और हम यानी हमारा सबक पूरा हो जाए तो फिर आप कर लें। अच्छा मुझे ये बताइए अल वुजूआ इस पर नसब क्यों है? अच्छा वो अदील भाई के, चले मैं इंशाल्लाह देख लूंगा उसको। जी अल वुजूआ पर नसब क्यों है?
माना क्या करते हैं इसका जी, देख लिया स्क्रीन में, मफूल है, माना देखे ना, माना मफूल वाला है, मुकम्मल करो वुजू को, मफूल वाला माना है। और साइमन इस पर नसब क्यों है, हाल, हाल है, किसका हाल है, जी अंता, मुझे समझ आ रही है कि आपको हाल क्यों लग रहा है, क्योंकि माना शायद यानी ये है ना कि रोजे की हालत में हो, तो ये तो एक लफ्जी तर्जुमा हम करते हैं, मफहूमी माना। अन, अन का अमल तो तकून पे हो चुका, और अन इतना अमल नहीं करता कि वो उससे अगले को भी नसब दे दे। काना की खबर है, ये तकून क्या है, तकून काना है ना, तो काना खुद क्या है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, काना सारा असबहा अमसा अदहा, ये सारे जो अफाल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अफाल नाकसा, अफाल नाकसा। और अफाल नाकसा का इराब क्या है कि उसका इसम और खबर आती है, इसम को रफा देते हैं और खबर को नसब देते हैं, तो इसका तकून का जो इसम है ना वो अंतर जमीर इसमें आ चुका है, तो अब उसकी साइमन खबर है, इसलिए मंसूब है। कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, गफूरन भी खबर है, रहीमन भी खबर है, दो खबरें हैं और दोनों आप देख लें मंसूब है। कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, कभी कभी अप्लाई कर लिया करें नहव को, भैया बल्कि मैं तो यानी तलबा को मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि जो आप लोगों की शुरुआत के जो साल है ना उसमें आप यानी जब भी कोई इबारत पढ़ रहे हैं कुरान की हदीस की तो नहव को तदबीक दें, उसमें शुरू से नहव को तदबीक दें, मतलब आप अड़ जाएं, आपको अगर किसी इसम का इराब समझ नहीं आ रहा ना आप वहां पर अड़ जाएं कि भाई ये इराब यहाँ पर क्यों है मुझे समझाया जाए, उसके बगैर आगे बढ़े ही ना, इस तरह होना चाहिए। अगला बाब पढ़ें, आप पढ़ें, आप में से कोई मैं पढ़ूं उस्ताद, आप अगला बाब पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। अल अमरु बिल इस्तिंसार अन अबी हुरैरा था अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليؤتر فليؤتر ठीक है, अगली रिवायत भी पढ़ लें। عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر। ठीक है, باب الأمر بالاستنثار, ये باب है استنثار کے بارے میں حکم دینا, استنثار کسے کہتے ہیں, ناک کو جھاڑنا, تو ناک کو جھاڑنے کے بارے میں حکم دینے کے حوالے سے یہ باب ہے। तो इस हवाले से बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मौजूद है और इस तरह करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तवद्दअ फलयस्तनसिर,
जिस शख्स ने वुजू किया उसे चाहिए कि वो नाक में पानी यानी नाक झाड़े, फलियस्तंसर, उसे चाहिए कि वो नाक झाड़े। वमन इस्तजमारा, और जिस शख्स ने क्या किया, इस्तिंजा, पढ़ा ना इस्तजमारा, इस्तजमार, इस्तजमारा वैसे कहते हैं यानी इस्तिंजे के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करना, उसे कहा जाता है इस्तजमार, क्योंकि ये जमर से निकले, जमर, ठीक है, और जमर किसे कहते हैं, जमर पत्थर को कहते हैं, जमरा उकबा वगैरह जो आप सुनते हैं, ठीक है। तो वमन इस्तजमारा, और जो यानी पत्थर इस्तेमाल करे इस्तिंजे के लिए, ये माना करेंगे, और जो पत्थर इस्तेमाल करे इस्तिंजा के लिए, फल यूतिर, उसे चाहिए कि ताक अदद इस्तेमाल करे, फल यूतिर, उसे चाहिए कि ताक इस्तेमाल करे। तर्जुमा रिपीट कर रहा हूं, मन तवद्दा, जिसने वुजू किया, फल यस्तंसिर, उसे चाहिए कि वो नाक झाड़े, वमन इस्तजमारा, और जिसने इस्तिंजा के लिए डेले इस्तेमाल किए, फल यूतिर, उसे चाहिए कि वो ताक अदद इस्तेमाल करे। ये भी इरादे फेल है, तवद्दा और इस्तजमारा इरादे फेल है, यानी इरादे फेल का मतलब ये है कि मन तवद्दा का मतलब ये नहीं होगा कि जिसने वुजू कर लिया तो वुजू करने के बाद वो इस्तिंसार करे, नहीं, जाहिर है इरादे फेल, कि जिस शख्स ने वुजू का इरादा किया, वुजू करना चाह रहा है वो, तो उस वुजू में वो इस्तिंसार करे, और जो पत्थर इस्तेमाल करना चाह रहे इस्तिंजा के लिए, उसे चाहिए कि वो ताक अदद इस्तेमाल करे, और कम से कम ताक अदद कितनी होती है, एक, यानी एक कम से कम तीन, कम से कम एक, यानी एक से कर सकते हैं जी, नहीं वो नहीं मिलता या मजबूरी की बात ही नहीं हो रही। हाँ, शरी मसला ये है कि एक से सिंजा नहीं होगा, तीन, यानी कम से कम जो तादाद है ना, ताक में भी अगर करना है तो तीन, ठीक है, ये हमने पहले मसला बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं हम, सही है। और जो इमाम नसाई का इस्तिदलाल था इस हवाले से, जिसमें उन्होंने इस्तिदलाल किया यानी वितर वाले लफ्ज से, के वितर वाले लफ्ज में एक भी शामिल हो जाता है, तो वो इस्तिदलाल हमने कहा था कि ये यानी मरजू है, सही नहीं है, सही नहीं है, सही बात यही है कि तीन कम से कम जरूरी और लाजिम है, सही है। अगर मजबूरी है तो मजबूरी में तो फिर जाहिर है हर मामले ही एक यानी अलग हो जाता है उसका हुक्म, लेकिन मजबूरी से हट कर बात हो रही है उसमें भी यही है कि आपने यानी तीन पत्थर इस्तेमाल करना लाजिम और जरूरी है। वो हराम होगा तीन से कम इस्तेमाल करना, जी हाँ बिल्कुल वो हराम होगा। बाकी रहा ताक अदद इस्तेमाल करना, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ताक यहां पे इस्तिंजा में ताक शुरू होगा कहां से, तीन से, ठीक है, तीन पांच सात नौ जितना आप चाहें, तीन से कम नहीं। हदीस का लाने का मकसद मन तवद्दा फलयस्तंसिर, जो वुजू करना चाहता है उसे चाहिए कि वो इस्तिंसार करे यानी नाक को झाड़े। तो नाक को झाड़ना है किस हाथ से, सीधे या उल्टे, उल्टे हाथ से, ठीक है, उल्टे हाथ से नाक को झाड़ना है, सीधे हाथ से नहीं। हराम अमल की क्या वईद है, हराम इसकी वईद नहीं है, हराम का मकसद यह है कि मतलब अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है ना, ये वईद है बस, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। हाँ बिल्कुल, यानी खास कोई इस हवाले से वईद तो नहीं आई, बस यही है कि ये यानी चूंकि हर अमल जो जिस जो यानी नाफरमानी पर होगा उसे हम हराम कहेंगे, नजायज कहेंगे। मकरूह तहरीम और दूसरा भी यहाँ दोबारा लाइन के कुछ फ्यूजन सर सैर करते हुए मकरूह तहरीमी ये मैंने दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें मैंने कुछ इस तरह का दिया है, डायरेक्ट दिया होगा तो वो फिर ऑप्शंस
आपको देखने पड़ेंगे, मुझे सवाल असल में जहन में नहीं आ रहा कि सवाल क्या था। चलें बहरहाल अभी इसको हम पूरा कर लें। ये हदीस है जो इस्तदलाल है ना फलियस्तनसिर, तो लियस्तनसिर अमर का सीगा है, अमर है ना, अमर गायब है ये, लियस्तनसिर उसे चाहिए कि वो इस्तिनसार करे। अगली हदीस में अमर हाजिर का सीगा है कि तुम इस्तिनसार करो, ठीक है। तो ये दोनों जगह अमर है, पहली हदीस में अमर गायब है और दूसरी हदीस में अमर हाजिर। अगली जो हदीस है जो हमने पढ़ी है वो है अन सलमत इब्नी कैस, सलमा बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तवद्दअता फस्तनसिर, जब तुम वजू करो तो तुम इस्तिनसार करो यानी नाक झाड़ो, व इज़ा इस्तजमरता और जब तुम पत्थर इस्तेमाल करो इस्तिंजे के लिए फऔतिर तो ताक अदद इस्तेमाल करो। तवज्जा भी अमर है, नहीं तवज्जा अमर नहीं है, तवज्जा माजी है। मन तवज्जा हमजा पर फत्था है, अगर तवज्जा होता तो वो अमर होता जज़्म के साथ। सही मौकिफ के मुताबिक तीन पत्थरों से कम के जरिए इस्तिंजा करना, सही मौके के मुताबिक तीन पत्थरों से कम के जरिए इस्तिंजा करना नंबर एक जायज है, नंबर दो हराम है, नंबर तीन मकरूह तहरीमी है, नंबर चार मकरूह तंजीही है। अच्छा, मकरूह तहरीमी तंजीही शायद आप पूछना चाह रहे हैं, तो मकरूह तहरीमी और तंजीही शायद अल्लाह वालम बताया आपको या नहीं। तो मकरूह तहरीमी क्या होता है कि यानी ये वैसे तो इस्तिलाह जो है ना ये जो यानी उलमाए अहनाफ भी करते हैं, जमहूर उसूलीन ने भी की है कि मकरूह तहरीमी ये है कि जिसकी वजह से वो काम हराम हो जाता है, ठीक है। यानी उलमा यानी जो अहनाफ है वो इसको मकरूह तहरीमी कहते हैं और जो दीगर जमहूर उलमा है वो इसको हराम कहते हैं, हराम मकरूह तहरीमी। और जो मकरूह तंजीही है, मकरूह तंजीही उसका मतलब यह है कि वो काम यानी हराम नहीं होता लेकिन उससे बचना चाहिए, बचना बेहतर है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो उस पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तो यही मतलब हराम और मुबाह वाला, हराम और मकरूह वाला ही जो माना है ना वही है इसका। चुटाया था आप, प्लीज थोड़ा मुश्किल असाइनमेंट दिया करें, थोड़ा कम मुश्किल, अच्छा आप थोड़ा कम मुश्किल असाइनमेंट दिया करें सर। तवद्दअ में मुजारे की ता अलामत आ रही है, तवद्दअ में मुजारे की अलामत ता, शुरू वाली ता तो जो तवद्दअ में जो शुरू वाली ता है वो तो मुजारे की है, जो आगे तवद्दअ है ना आखिरी वाली ता वो उसके सीगा जो सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर की है उसकी ता है वो तवद्दअ। जो इसमें सही जवाब है ना वो आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये मुझे थोड़ा ज़ुहूल हो गया, ये वाक़ईतन तवद्दअ जो है ये माजी है, आइए आप ठीक कर लें, तवद्दअ माजी है मुजारे नहीं है बिल्कुल। तो जो शुरू में ता आ रही है अलामत मुजारे नहीं है बल्कि ये ताए तफाउल है,
जो तफाउल की ता है ना, क्योंकि तवज़ा तफाउल का बाब है, तफाउल या तफाउल। अलैकुम। जी मैं क्लास में हूँ। सही है, ठीक है, ठीक ठीक। असाइनमेंट नोट से देख कर करने होते हैं या दिमाग से? नहीं, आप जो असाइनमेंट्स है वो आप उसके लिए तो किताब यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जाहिर उसके लिए आपको किताब बल्कि उठानी पड़ेगी, क्योंकि सवालात जो बनाए गए हैं वो ऐसे ही है कि आपको किताब ला महाला उठानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा किताब या जो आपके नोट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। अच्छा, इमाम नसाई का इस्तिंसार के हवाले से जो अमर है ना, अमर यानी उनका ये कहना कि अल अमरु बिल इस्तिंसार, ठीक है, तो उससे यही लगता है कि इमाम नसाई के नजदीक ये इस्तिंसार करना भी जरूरी है, वाजिब है, तभी उन्होंने अमर कहा। और इस हवाले से जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर बहुत से यानी मुहद्दिसीन और फुकहा, उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है, पर हम भी यही कहते हैं कि जो इस्तिंशाक और इस्तिंसार और मदमदा है इसको भी हम वाजिब ही कहेंगे, ठीक है, इसको वाजिब ही समझना चाहिए। ऑनलाइन वालों के लिए भी है असाइनमेंट? जी हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए भी है। आगे बढ़ें। क्या आवाज नहीं आ रही? जी बढ़ें। बाबुल अमरी बिल इस्तिंसारी इंदल इस्तिखाज़ी मिनन नौमी अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़स्तैख़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फतवज़्ज़अ फलयस्तंसिर थलाथ मर्रातिन فإن الشيطان يبيت على خيشومه। ठीक है, अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ سے باب الامر بالاستنصار عند الاستيقاظ من النوم। इस बाब का मकसद यह है कि इंसान जब नींद से उठे तो नींद से उठने के बाद नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने नाक झाड़ने का हुक्म दिया है 3 मरतबा, ठीक है, नींद से उठने के बाद, बिदार होने के बाद नाक झाड़ने का हुक्म दिया गया है। ठीक, मुराद उससे वुजू है, यानी वुजू के दरमियान में, ठीक है। बाबुल अमरी, हुक्म देना बिल इस्तिंसारी नाक झाड़ने के बारे में, इंदल इस्तिकाजी मिन नौमी नींद से बेदार होने के वक्त। नींद से बेदार होने के वक्त इस्तिंसार का हुक्म देने के बारे में ये बाब है। इस्तिकाद किसे कहते हैं? बेदार होना, उठना, जागना।
اور جو حدیث لائے ہیں وہ ہے عن ابی ہریرہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے فتوضا اور وضو کرے ٹھیک ہے یہ فا عطفہ ہے جس کا عطف جا رہا ہے استيقظ پر کہ بیدار ہو اور وضو کرے جب بیدار ہو تمہارا کوئی ایک اپنی نیند سے فتوضا اور وضو کرے فلیستنثر ثلاث مرات اسے چاہیے کہ ناک جھاڑے تین مرتبہ فان الشیطان کیونکہ بے شک شیطان یبیت رات گزارتا ہے علی خیشومہ اس کے خیشوم میں خیشوم یعنی ناک کی جڑ ٹھیک ہے ناک کی جڑ کو کہا جاتا ہے خیشوم صحیح ہے سوال ہے کہ جو اذکار پڑھ کے سوتا ہے اس کے بھی اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کیا اس کے بھی ناک میں شیطان رات گزارتا ہے تو جو ظاہری معنی نظر آتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ہاں سب کا کیونکہ سب کے لیے عموم ہے اور کہیں پہ یہ مذکور نہیں ہے کہ جو اذکار پڑھ کے رات گزارتا ہے تو شیطان اس کے خیشوم میں رات نہیں گزارتا ایسا ملتا نہیں ہے ہمیں تو ظاہری معنی اس کا یہی ہے کہ سب کے لیے یہ واللہ اعلم فلیستنثر کے فلیستنثر کا جو فا ہے وہ عاطفہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جزائیہ ہے جزائیہ شرط کی جزا ہے شرط آ گئی نا اذا استيقظ جب بیدار ہو تو یہ شرط آ گئی اب اس کی جزا ہے فلیستنثر تو اسے چاہیے کہ وہ تین مرتبہ ناک جھاڑے منامہ میں میم کیا ہے منامہ میں جو میم ہے اس کو کہا جاتا ہے مصدر میمی ٹھیک ہے منام جو ہے منام اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے مصدر میمی کیا ہوتا ہے وہ مصدر جو میم سے شروع ہو ٹھیک ہے ویسے اکثر ہوتا یہ ہے کہ مصدر میم کے بغیر آتا ہے جیسے ضرب یضرب ضربا نصر ینصر نصرا لیکن کچھ بسا اوقات کچھ مصدر ایسے ہیں جن کے شروع میں میم آ جاتا ہے ان میں سے ایک مصدر ہے منام اس کو مصدر میم کہا جاتا ہے مصدر المیمی یبیتو کا معنی ہے رات گزارتا ہے یعنی فإن الشیطان بے شک شیطان یبیتو رات گزارتا ہے علی خیشومہ اس کی ناک کی جڑ میں اس کے خیشوم میں بتاتا ہوں دعوت کو دعوت پڑھیں یا زوت پڑھیں یہ ویسے قرات کا مسئلہ ہے تو قرات میں ہی پھر کبھی بات ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں گے خیشوم ناک کا بانسا جس سے نون گننا ادا ہوتا ہے جی ہاں یہی خیشوم سے جو ہے وہ نون گننا ادا ہوتا ہے خیشوم دراصل ایک رطوبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناک کے اندر بنائی ہے جو یعنی چیز اندر جانے سے یعنی بچاتی اور روکتی اس کو کہا جاتا ہے خیشوم سردی اب اگر خیشوم نہ ہوتا نا تو انسان یہ سردی برداشت ہی نہ کر سکتا ٹھیک ہے سردی جو ہم برداشت کرتے ہیں اتنی سخت سردی وہ اس خیشوم کی وجہ سے ہے اگر وہ خیشوم نہ ہوتا تو سردی ہمارے یعنی دماغ میں داخل ہو کے یعنی دباؤ برباد کر دیتی
इस्तेकज़ा मंसूब, इस्तेकज़ा मंसूब इसलिए क्योंकि वो माजी है और माजी मंसूब होता है। बौद बौद जौद पढ़ना गलत है। अच्छा चले, ये हदीस हमने पढ़ी है, इसका तर्जुमा भी पढ़ लिया और ये अपने माना में बिल्कुल वाज़े है। बाकी रहा सवाल कि इस्तिंसार जो यहाँ पे मजकूर है इसका ताल्लुक वुजू से है या नहीं, तो सही बात यह है कि ये वुजू के साथ है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंसार के साथ साथ ये भी तलकीन कर दी है कि जब इंसान बेदार हो तो पहले वुजू कर ले, सही है, पहले उसको वुजू कर लेना चाहिए और वुजू कर जब करे वुजू तो उसमें जाहिर है फिर वो इस्तिंसार भी करे, तो इस तरह यानी उसका वो पूरा मामला सही हो जाएगा कि बेदार होने के बाद वुजू करे और फिर उस वुजू में इस्तिंसार करे। बाकी रहा ये वाला मामला कि शैतान रात गुजारता है, तो पहली बात तो ये कि यबीतू के लफ्ज से ये बात पता चलती है कि ये सिर्फ रात की नींद के साथ खास है, जो इंसान रात को नींद करता है उसके साथ खास है कि उस वक्त शैतान उसके खैशूम में रात गुजारता है। और दूसरी बात, और जो यानी जो मतलब जो दिन की नींद है तहलूला वगैरह उसके साथ ये मामला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको यबीतू यबीतू के लफ्ज से ताबीर किया, और यबीतू का मायना ही रात गुजारना है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि शैतान का खैशूम में रात गुजारना क्या मायना है इसका, कि कोई कोई हिकायत है, कोई मिसाल देना है या हकीकतन ऐसे है, यानी हकीकतन रात गुजारता है शैतान, क्या कहते हैं इस बारे में, मिसाल है। अच्छा क्या मिसाल है, मतलब अगर हमने कहा ना मिसाल है तो मिसाल का मतलब ये हो कि फिर हकीकत कुछ और है, तो वो हकीकत क्या हो सकती है, हकीकी मान लेने में कोई को रुकावट है, कोई मुश्किल है जी? नहीं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल यानी उस बात को अगर उसकी हकीकत ये ना होती तो असल हकीकत बयान कर सकते थे ना, अल्लाह के रसूल ने इस बात को इस तरह बयान किया कि वो रात गुजारता है, तो हमारा इसमें यही मानना है, यही हमारे ईमान का तकाजा होना चाहिए कि हम इसको इसी तरह माने। बाकी रही कैफियत की, तो कैफियत अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई कि किस तरह गुजारता है और क्या मामला होता है, कैफियत में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस बता दिया रात गुजारते तो रात गुजारता है, हकीकी माना बिल्कुल। शैतान का पेशाब करना कान में ये तो ठीक है, शैतान का पैर दबाना फजर के वक्त क्या मतलब है, ये मैं तो पहली मरतबा सुन रहा हूं, मतलब शैतान के पैर दबाने हैं या शैतान दबाए, उस वक्त नहीं, वो उसका एतबार नहीं होगा, ये जाहिर है जब इंसान जब मुकम्मल उठता है ना और फिर उसने जब फजर की नमाज पढ़नी है क़यामुल लैल वगैरह करना है तो उस वक्त जाहिर सी बात है वो उस वक्त की बात है ये। अच्छा वो शैतान पैर दबाते हैं, मेरे ख्याल वो एक मिसाल है कि वो शैतान मतलब वो ये कर रहा होता है कि भाई सो जाओ अभी बड़ा टाइम है, ठीक है, तो इस तरह का मामला होता है शायद, मतलब ये एक मशहूर बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे हदीस से। खैर काफी है, इंशाल्लाह फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास, जो जाना चाहता है वो जा सकते हैं, अगर कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ ले। इस्तिदलाल हदीस क्या है, इस्तिदलाल हदीस वाजे है, यानी नींद से बेदार होकर इस्तिंसार करना, यानी वुजू करना और वुजू में इस्तिंसार करना,
इसका हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, और यही इमाम नसाई ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है। मकरूह तहरीमी और हराम में फर्क, मकरूह तहरीमी और हराम में फर्क, यानी इसको आप यही कहें कि इसमें कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। मकरूह तहरीमी दरअसल जो फुकहाए अहनाफ है उनकी इस्तिलाह है, और हराम जो है वो यानी जमहूर की इस्तिलाह है। समझ नहीं आया मुझे, फिर से करें। फोर्टी फाइव मिनट्स पे, अच्छा मतलब शहर में ही है तो उसका सही है मामला, कोई बात नहीं। देखिए मजबूरी की बिना पे तो इजाजत दी है उलमा ने, और इसमें यही ख्याल रखना चाहिए कि उर्फ में जिस चीज को सफर कहा जाता है ना, उर्फ में जिस चीज को भी सफर कहा जाता है, एक तो सफर हमारा है यानी हम लोग घर जाते हैं, ये कोई खास ये सफर नहीं होता, मतलब हमारा शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना सफर होता है आपका, कोई लंबा सफर शहर छोड़ के आप जा रहे हैं, तो ऐसे सफर के लिए अल्लाह के रसूल ने वही फरमाया कि ला तुसाफिरन मरअतुन इल्ला मा महरमिन, कि महरम के बगैर जो है वो सफर ना करे औरत, तो यही बात है। इल्ला एक उजर है, मतलब नागुजीर मामला हो गया तो वहां पे फिर औरत जो है वो जाहिर अकेले जा सकती है, वो भी मजबूरी की बिना पे। बल्ला वालम इससे बचना चाहिए, मैं तो उसको सही नहीं समझता, बचना चाहिए इससे। वुजू ड्यूरिंग पीरियड्स कर सकते हैं लेकिन वो एक उसका यानी एक तहारत के लिए होगा बस, उसका कोई फायदा और नहीं है। नहीं आप थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करें, ये बात ज्यादा मतलब अहम है इस बात से कि आप हदीस की मुखालफत करें। चलें भी ये बहुत सारे सवाल आते हैं वो हमारे रह गए हैं। बच्चे का नाम अल्लाह का नाम रखे अब्दुल हादी तो खाली हादी पुकार सकते हैं। इस पे मैंने बात बता दी कि अगर वो अल्लाह की सिफत है और वो सिफत बंदों के लिए इस्तेमाल नहीं हुई तो फिर उसको नहीं पुकार सकते। जैसे अर्रहमान है तो किसी को रहमान नहीं कह सकते बल्कि सिर्फ अब्दुल रहमान ही कहेंगे, ठीक है। बाकी हादी जो है ना वो बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है तो उसको फिर हादी कह सकते हैं, यानी अब्दुल हादी नाम है और उसको आप हादी कह सकते हैं क्योंकि बंदों के लिए भी हादी इस्तेमाल हुआ है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेदार होकर इस्तेंसार सिर्फ रात की नींद के लिए बेदार खास है, यहाँ ये बात जो है यानी जो लाजमी होना इसका इस्तेंसार का वो रात की नींद के लिए। अब अगर ऐसा सवाल दिया जिसमें दोनों मौजूद हों हराम और मकरूह तहरीमी क्या सिलेक्ट करें, तो इसमें यानी वो देख लेते हैं इंशाल्लाह असाइनमेंट वाला, वो मामला मुझे सही तरह अब याद भी नहीं आ रहा, उसको देख लेते हैं। तंजीह कहते हैं बचने को, अम्मा अरबा आल आंसर को प्लीज, क्या किसी एक इमाम को फॉलो करना जरूरी है किसी मामले में? अम्मा अरबा अब ये सवाल तो थोड़ा सा एक बहुत ही अलग हो जाएगा, उसमें हमारा तो यही कहना है कि यानी किसी इमाम को खास को फॉलो करना तो एक तकलीद हो जाएगी और तकलीद हमारे नज़दीक सही नहीं है। आप किसी को फॉलो नहीं यानी इस तरह तकलीद जामिद नहीं कर सकते, वो तो तकलीद हो जाएगी और हमारे नजदीक तो तकलीद सही नहीं है, जायज नहीं है। इब्न आगे वाले से इस्म के साथ जुड़कर सिफत बनेगा, अकेले इब्न सिफत नहीं बन सकता। जी हाँ ऐसा ही है, यानी बिन जो है वो माँ कबल के लिए सिफत बनेगा, अकेला सिफत नहीं बन सकता। सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी कितनी और कैसी रखी जाए? सर में भाई ने पूछा था सवाल, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है कि आप दाढ़ी को छोड़ दें,
बिल्कुल ना काटें, ये सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है। बाकी वो जो काटना उसको तराश खराश ये सही नहीं है, उसको आप सुन्नत के मुताबिक नहीं कह सकते। मोजों पर मसा कितनी बार करें? अगर मुकीम है तो एक दिन एक रात तक कर सकते हैं, और अगर मुसाफिर है तो तीन दिन तीन रातें। कितनी बार? एक बार, यानी फेरना जो है वो एक बार है, सही है। नींद से बेदारों का इस्तेंसार सिर्फ रात की नींद के लिए है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यबीतू के लफ्ज हैं। कौन सी इस्तिलाह को फाइनली कबूल करें इस कोर्स में और क्विज में? सही है, इंशाल्लाह आपने जो भी किया होगा उसमें आपको, यानी अगर मकरूह तहरीमी किया और हराम किया तो दोनों इंशाल्लाह सही होंगे। बाकी इसको देख लेते हैं मजीद। मेरा कॉलेज 30 में लगता है जाने को, तो क्या मैं बिना कोई महरम के जा सकती हूँ? हाँ ये सफर नहीं है, आपके शहर में है तो उसमें तो जा सकते हैं। वैसे साथ होना किसी का बेहतर है, लेकिन इसको हम सफर नहीं कहते, तो लिहाजा इसमें वो यानी वजूब वाली बात नहीं होगी। हदीस नंबर 85 तो बिल्कुल वाजे है, वो 84 से ही यानी मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा फर्क है। जो फर्क है वो हमने बताया था कि 85 में भी ये बताया कि अल्लाह के रसूल ने अपना दायां हाथ उस बर्तन में डाला और उससे इस्तिंशाक किया, उससे मजमजा किया, वही इस्तिदलाल था। चलें बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाह व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता
है।